मैं प्रोफेसर सुषमा मिगलानी गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज द्वारा आयोजित 6 दिनों की वर्कशॉप के दूसरे दिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पचनी जी का, हार्दिक अभिनंदन आज के रिसोर्स पर्सन मिस्टर दलजिंदर बसरा जी का। इस बार यूथ फेस्टिवल जो है वो नहीं हो पाया कोविड-19 के चलते, इसलिए हमारी इस वर्कशॉप के कन्वीनर यूथ वेलफेयर डायरेक्टर निर्मल जौड़ा जी तथा कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी ने ये आज म्यूजिक हेरिटेज थिएटर पर वर्चुअल वर्कशॉप रखने का निर्णय बहुत सराहनीय है। इससे हमें अपने रिसोर्स पर्सन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो स्टूडेंट्स की ऊर्जा है वह भी सही दिशा में दशा लेती है। सर, मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज ने विद्यार्थियों के सर्वोत्तम विकास के लिए NSS और NCC यूनिट भी उपलब्ध करवाए हैं। हमारा कॉलेज NSS यूनिट को पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में से सर्वोत्तम अवार्ड के लिए चुना गया तथा हमारे कॉलेज को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रीन कैंपस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कॉलेज ने स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। कॉलेज ने स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक और कल्चरल में भी शोहरत प्राप्त की है। यहाँ BA, BBA, BCA, BCOM, PGDCA, MA English, MA पंजाबी और साथ में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। हम अपना आज का कार्यक्रम जो है वो माँ सरस्वती की वंदना से आरंभ करेंगे और इस सरस्वती वंदना को पेश करने जा रहे हैं हमारे संगीत विभाग के प्राध्यापक नरेंद्र जी, नरेंद्र पाल जी। लीजिए सुनते हैं सरस्वती वंदना। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये, 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 नमो नमः। जय जय मां, 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 वरदे 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 वीणा वादिनी, वरदे 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 वीणा वादिनी, वरदे 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 वीणा वादिनी, वरदे। बस खूब जी, निर्मल मन कर दे प्रेम अतुल कर दे, निर्मल मन कर दे प्रेम
अतुल कर दे, सबकी सबलमती हो, ऐसा हम को वर दे वीणा वादिनी, वर दे वीणा वादिनी, वर दे सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, प्रेममयी भी तू है, हम बच्चों को वर दे वीणा वादिनी, वर दे वीणा वादिनी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नरिंदर। अब मेरा निवेदन है हमारी दशा और दिशा की निर्देशिका सूक्ष्मदर्शी और कर्मठी प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी से कि वह हमारे आज के रिसोर्स पर्सन मिस्टर दलजिंदर सिंह बसरा जी का तथा बाहर से जुड़े हुए सभी श्रोतागणों का स्वागत करें। प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी, सबको आशीर्वाद। नमस्कार। सरस्वती वंदना के बाद मैं आप सबका स्वागत करती हूं और सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा 6 दिन का प्रोग्राम बहुत ही फ्रूटफुल रहे, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए वो जो चाहते हैं यहाँ से सीख कर जाएं, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे 6 दिन आर्टिस्ट एंड एक्सपर्ट्स एंड रिसोर्स पर्सन्स अवेलेबल हैं कि इससे अच्छी चॉइस हमारे पास नहीं हो सकती थी। थैंकफुल हूँ डॉक्टर निर्मल जोड़ा जी की, जो डायरेक्टर हैं यूथ वेलफेयर पंजाब यूनिवर्सिटी, जिनके कोलैबोरेशन एंड अंडर पैट्रोनेज हम ये करवाने जा रहे हैं, और सर दलजिंदर सिंह बसरा सर, आपको बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत। बहुत अच्छा लगा, आपको देखकर और आपसे मिलकर। इससे पहले मैंने आपको, मुझे लग रहा है मुझे इको हो रही है मेरी नॉइस में, कहीं ना किसी का ऑडियो ऑन है। ठीक है, सही आ रही है आपकी आवाज, मुझे अपनी सुनाई दे रही है। तो इससे पहले मैंने आपको एज ए एंकर देखा है और एज ए आर्टिस्ट, एंड यू आर ए टॉप रैंकिंग AIR आर्टिस्ट, एंड यू हैव प्लेड रोल इन वेरियस मूवीज एंड सीरियल्स, एज ए एंकर ऑल्सो आप बहुत फेमस है, आपको बहुत रिच एक्सपीरियंस है 30 years का, एंड वेरी गुड क्वालिफिकेशन दैट यू हैव MA इन थिएटर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और आप वर्चुअली हमसे जुड़े हैं कि जैसे मैंने देखा कि आपने बहुत से कॉलेजेस के साथ MOU वगैरह भी साइन किए हुए हैं, इन कोलैबोरेशन यू गो एंड वर्किंग विद देम। सो हम चाहेंगे कि पेंडेमिक खत्म होने के बाद हम ऑफलाइन भी आपसे जुड़ें और आपको हम यहाँ कॉलेज में बुलाएं और रूबरू होके बच्चे फेस टू फेस आपसे सीखें। अब पेंडेमिक के दौरान मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 400 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे पास इस वर्कशॉप के लिए आई हैं, और ये ना सिर्फ पंजाब से हैं। सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, प्लीज कैरी ऑन।
सर ये ना तो सिर्फ पंजाब से हैं बल्कि हरियाणा से भी है, महाराष्ट्र से भी है, और ये इसमें 75% स्टूडेंट्स एंड 25% टीचर्स है। सो एक ये यूनिक वर्कशॉप है जिसमें एक एज बहुत वैरिड एज ग्रुप के लोग हैं, पर वो सब कला और कला के प्रेमी हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सीखना और ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज को करिकुलम का पार्ट बना दिया गया है, तो ये उनके लिए एक नया दिशा निर्देश होगा, आगे के लिए वो अपना कुछ प्लान बना सकते हैं, और बहुत हेल्पफुल रहेगा जब भी ये सिलेबस नए सिलेबस बनाएंगे, क्योंकि हमारे टीचर्स बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर होते हैं जहाँ पे ये सिलेबस वगैरह बनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम दिया। यूनिवर्सिटी से भी लोग जुड़े हुए हैं और कॉलेजेस से भी लोग जुड़े हुए हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं, और काफी लोगों की रिक्वेस्ट तो ये थी कि वो नहीं जुड़ पा रहे थे, तो हमने उन्हें यूट्यूब पे, कॉलेज का यूट्यूब चैनल है उस पे हम वीडियो उन्हें अवेलेबल करा देते हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम तो लोगों को जुड़ना और उन्हें कुछ पेंडेमिक के टाइम, आपको पता ही है कि आजकल कितनी ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स एंड इलनेस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लोग देख रहे हैं, तो हम चाहते थे कि कुछ नया हो। कल भी जैसे बलकार सिद्धू जी जुड़े थे, तो आप मानेंगे कि माहौल कुछ ऐसा था, लग रहा था कि यूथ फेस्टिवल ही हो रहा है, क्योंकि वाह इतनी सारी उन्होंने बोलियां सुनाई और अलग अलग तरह की, जो भी हमारा पंजाब और पंजाबियत से जुड़ा हुआ कल्चर है, इतनी सारी फेस्टिविटीज की बातें की, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये एक अलग तरह की वर्कशॉप है, क्योंकि जब टीचर्स अक्सर वर्कशॉप लगाते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट में, वो 6-7 डेज की रहती है, उसमें एकेडमिक्स के अलावा ज्यादातर कुछ और बातें नहीं होती, एक्सेलेंस, टीचिंग, लर्निंग एंड ऑल दैट, कुछ ऐसा नहीं जी होता। ये अपने आप में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ मन को खुश करने वाली वर्कशॉप है, और आपको देखकर मुझे लग रहा है कि बहुत सक्सेसफुल सेशन जाने वाला है, और कैंडिडेट सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत एंजॉय करेंगे। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो भी क्वेरीज हैं वो चैट बॉक्स में एडवांस में लिख दें, ताकि अगर सर भी पढ़े या फिर जो भी मॉडरेटर है वो उन्हें लेता रहे, ताकि टाइमली ओवर हो जाए। कल हमारा 2 या 2.5 घंटे का सेशन गया था, तो आज भी सर हम चाहेंगे कि आप कम से कम 1 घंटा हमारे साथ बने रहें और हम टाइमली जरूर दें। सो जो जरूर आपका एक्सपीरियंस है वो इतनी कम टाइम में नहीं सब कुछ शेयर हो सकता, पर जितना भी आप देंगे हम सब उसके लिए तैयार है। एंड बेस्ट विशेस आपको, और ओवर टू मैडम मिगलानी, सर के बारे में डिटेल में आप पार्टिसिपेंट्स को बताइए। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बिजी होते हुए भी आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े, आपने आशीर्वाद दिया। और मैम, जो थोड़ी देर के लिए हमने रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेंट्स के रिक्वेस्ट पे खोली थी 10 बजे तक, रजिस्ट्रेशन जो है वो 536 हो गई है, 471 से 536 हो गई है अब, और अब हमने जो है वो उसको बंद कर दिया है। थोड़ी देर के लिए खोला था क्योंकि बार बार पार्टिसिपेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी और मैडम के कहने पे हमने उसको थोड़ी देर के लिए खोल दिया था। आज सेकेंड डे जो है वो हम थिएटर के ऊपर दलजिंदर बसरा जी के विचार रखने जा रहे हैं। थिएटर किसी भी व्यक्ति को क्रिएटिव बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है। थिएटर की गतिविधियों में वैसे तो कई तरह के अभ्यासों का महत्व है, लेकिन दृश्य संयोजन एक विशिष्ट कौशल है। ये तात्विकता, तत्परता, आपसी सहकार व समायोजन स्थान, प्रकाश, गति, समझ और संतुलन को सुदृढ़ करने वाला अभ्यास है। इसे समूह कार्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दृश्य संयोजन में एक दूसरे को जगह देना, सवालों के जवाब देना, घटना को आगे बढ़ाना, दृश्य को नाटकीय दृष्टि से खड़े करना आदि कौशल विकसित होता है, जो आम जीवन में लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता है। डायलॉग डिलीवरी का इसमें अपना ही महत्व होता है। हमारी वर्कशॉप का आज का विषय है थिएटर, और इसी विषय के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आज के रिसोर्स पर्सन मिस्टर दलजिंदर बसरा जी।
आइए मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। दिलजिंदर बसरा जी टीवी रंगमंच अथवा सिनेमा की एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। आप एक प्रतिष्ठित मंजर हुए अभिनेता और निर्देशक हैं। दलजिंदर सिंह बसला ने ऑनर्स इंग्लिश एमए थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। आपने अनेकों धारावाहिक और फिल्मों में प्रमुख कलाकार की भूमिका के रूप में प्रतिष्ठा कमाई। इसके अतिरिक्त आपका टीवी तथा रेडियो में मंच संचालन का कार्य भी सराहनीय है। आपको आपकी फिल्म कप्तान में अभिनय के लिए सर्वोत्तम सहायक कलाकार के रूप में पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड में नामांकित किया गया। वर्ष 2019 में आपको कला के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए सरदार दविंदर सिंह सरा मेमोरियल काव्य शास्त्र साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। रंगमंच और सिनेमा में आपका कार्य क्षेत्र विस्तृत है। आपने 50 से ज्यादा नाटकों में काम किया, 100 से अधिक टीवी और फिल्म प्रोजेक्ट्स में काम किया। आपको एक अभिनेकार और निर्देशक के रूप में कला के क्षेत्र में 30 वर्षों से भी अधिक अनुभव है। आपने भारतीय रंगमंच के दिग्गजों के साथ भी मंच साझा किया, जैसे हबीब तनवीर, कुमार वर्मा, महेंद्र कुमार, प्रसन्ना, गुरशरण पाजी, नीलम सिंह मान आदि आदि, रानी बलबीर कौर आदि आदि। आपके जो मेजर प्रोडक्शंस हैं वो मैम, हैं सबकी डिटेल्स की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, हम बातचीत शुरू करते हैं। आधे अधूरे, माधवी, कोर्ट काफी मार्शल, सारे हैं, बस फिल्म ब्रीफ है, कुछ सा जो हम है सभी की, अपना सभी का जिक्र करने की ब्रीफ जरूरत नहीं सा है। अपना परिचय चाहते थे। आपकी बहुत सारे मेजर प्रोडक्शंस हैं, मेजर फिल्म्स हैं, मेजर टेली फिल्म्स हैं, बस सीरियल्स ठीक है, हैं हाँ और मेजर शो एज अ होस्ट हैं। आपके बहुत सारे नाटकों में आपने काम किया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं आपकी, थिएटर साझा किया आपने। और सर आपसे निवेदन है कि आपके पास बहुत कुछ है, ज्ञान का कोष है आपके पास थिएटर का, तो आप अपने विचार श्रोतागण के साथ हमारे साथ साझा करें। आदरणीय श्री बलजिंदर सिंह बसराज। बलजिंदर सिंह बसराज, हेलो जी, नमस्कार, सत ओवर टू यू श्रीकाल, सर। गुड आफ्टरनून, की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो सारे? आप हिंदी पंजाबी से रखांगे इकट्ठा ही? जी सर, मिक्स। पहली गल तो ये कि इन्होंने कहा मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मतलब ये जिहड़ा जिहड़ा कला का फील्ड है ना, जिन्ना जिन्ना तुसी जाने जाने हो ना, तुहानू उन्ना एहसास हो जाता कि तुहानू तां कुछ भी नहीं आउंदा। आई रियली थिंक कि मैनू हाले कुछ भी नहीं आता, जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन। ते दूजी जी गल मैम ने कही सी, नीलम मान सिंह चौधरी मैम थे, वो नाम तुसी सही नहीं लिया, बहुत ही वड्डा नाम है रंगमंच दे विच। नीलम मैडम साढ़े, उन्होंने नाल भी प्ले किया, उन्होंने भी काम किया होया। तो एक होर मजेदार गल है कि मतलब इन्ना कुछ है, इन सारी गल्ला मैं इतों तो शुरू कर दा कि जो मैं किसी कॉलेज जाना ना, ते पहला तो मैं ये देखता हूं कि कौन कौन, जो असि सिलेक्शन रखी थी ना, चलो जी हाँ जी सर, इस साल मैं काफी साल कॉलेज च थिएटर कराया, ते पहला तो मैं ये देखता हूं पक्के बंदे केड़े है, क्योंकि मैं देखिया कि आपां नूं थोड़ा जहा टाइम हो गया तो बहुत सारे जने छड़ गए। चलो ठीक है, इट्स फाइन, मैनूं चाहिए ही वही होंगे है जेडे थिएटर लिए खड़े रहन, चाहे लेट हो जाइए, चाहे मीह पै जाए, चाहे नेरी आ जाए। मैं पहला हौली हौली बच्चों नूं कढ़दा हुंदा, मैं देखदा हुंदा कि ना किना किना दा पैशन बड़ा स्ट्रोंग है। हफ्ता क मैं उन्होंने देना हुंदा, मैं देखदा हुंदा कौन रहिंदा है कौन, मैं जान के बैठा रहना हुंदा, वो सोचदे सर कुछ करवा नहीं रहे, पता नहीं, क्योंकि सानू काली बड़ी अजकल। सब तो वड्डी प्रॉब्लम साडी ये है कि इस मोबाइल ने सानू इन्ना बेचैन करता ना, इन्ना रेस्टलेस करता, असीं बहुत छेती सब कुछ चाहते हैं, चीज़ों नूं टाइम लगता। क्योंकि मैनू आप बहुत ज्यादा मोबाइल बारे पता नहीं है, तो ऑडियो सैटिंग कर दे, ते इस दौरान वधिया हुआ, जिहड़े 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 वाकई जुड़ना चाहुंदे ने थिएटर नाल उही जुड़े ने। बाकी रंगमंच जिथों तक है, रंगमंच नूं समझना, इहनूं थोड़ा जिहा जिसे ब्रॉडली कहीए ना, इंपॉर्टेंट की है जिंदगी नूं समझना, क्योंकि सारी आर्ट दा, रंगमंच दा, इनका जो बेस है, हमारे बहुत से लोग पंजाब के बाहर भी जुड़े हैं मुझे लगता है मैम, उनके लिए हिंदी भी बीच बीच में ठीक रहेगी, इज दैट राइट मैम? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, यस सुषमा मैम, सर। सर हिंदुस्तानी बोलिए प्लीज। हिंदुस्तानी, जी सर, चलिए वही चलिए।
हुजूर मसला ये है कि रंगमंच को समझना, इसको मैं थोड़ा सा ना थोड़ा सा वाइड करना चाहता हूँ, जिंदगी को समझना। और रंगमंच एक जरिया है जिंदगी को समझने का। कहाँ से शुरुआत हुई? बहुत बहुत पहले अगर हम जाते हैं तो हमारी जो एक बेसिक क्यूरियोसिटी है ना, जिंदगी के बारे में जानने की, कहानियां सुनने की। आज भी अगर हम सड़क पर जा रहे होते हैं, कहीं भीड़ जम जाती है तो हमें एक क्यूरियोसिटी होती है, एक उत्सुकता पैदा होती है मन में कि क्या हुआ। हम बाद में भी देखते रहते हैं, जानने की कोशिश करते रहते हैं। चार घरों के में से दूर कोई आवाज आ रही है तो हमें ये उत्सुकता पैदा होती है, उस घर में क्या हुआ। कहानियां, दूसरों की जिंदगी के बारे में जानना। कहां से रंगमंच शुरू हुआ होगा? जब हम आदिकाल की बात करते हैं, बहुत पुरानी जब बातें करते हैं, मतलब पत्थर युग से भी पहले की बातें करते हैं, उसके बाद स्टोन एज तक आते आते कैसे नाटक शुरू कैसे हुआ होगा। जब हम जाते हैं ना गहराई में सोचने की, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, एक आदमी बता रहा है दूसरे को कि आज मेरा सामना एक शेर से हो गया या किसी जानवर से हो गया। अच्छा हाँ भाई, वह बड़ा खतरनाक जानवर था, तो तूने कैसे किया? उसे एनेक्ट करके बता रहा है, ये हमारे खून में है एनेक्ट करना। बच्चे जैसे एनेक्ट करते हैं, बच्चे एकदम वो कैरेक्टर बन जाते हैं। इससे रिलेटेड एक बात है बच्चों की एक्टिंग के बारे में, उसमें बाद में आऊंगा। तो धीरे धीरे ये जो जानने की क्यूरियोसिटी है, ये धीरे धीरे कहानियां डेवलप होने लग गई, धीरे धीरे हमारी उत्सुकता जानने की दूसरों की जिंदगी के बारे में बढ़ती गई, कहानियां लिखी जाने शुरू करी। और नाटक जब सजीव रूप में हमारे सामने पेश होता है तो वो जिस तरह हमें छूता है, वो बयां से बाहर है, जिस तरह हमें इमोशनल करता है, अलग अलग इमोशंस का हमें एहसास करवाता है। उसके बाद यूनानी थिएटर शुरू हुआ सबसे पहले, फिर हमारे यहाँ उस वक्त संस्कृत थिएटर शुरू हुआ। अगर हम BC की बात करें, बहुत बहुत कमाल का थिएटर था वो। बहुत से नाम है, भास, शूद्रक, फिर अभिज्ञा कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतल, बहुत कमाल के उस वक्त के नाटक हैं। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतल, और वो जिसमें वो रूप बदलता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। बहुत से नाटक, उसमें बहुत प्रफुल्लित था। उस समय की खासियत ये थी, उस थिएटर की खासियत आपसे साझी करने चाहूंगा कि उसमें स्टेज सज्जा कुछ नहीं होती थी, ज्यादातर उसमें एक्टर का ही कमाल होता था। मतलब आप एक मिट्टी की गाड़ी का सीन देखेंगे तो वो अपने अभिनय से एक एक्टर सब कुछ क्रिएट कर देता। मम्मी बाहर देखना जरा, अभिनय से सब कुछ क्रिएट कर देता था कि ये देखो मैं आया, अरे अरे ये तो बहुत बड़ी दीवार है, अपने अभिनय से वो दीवार क्रिएट कर देता। अब मैं इसमें सेंध लगाऊंगा, फिर वो उसमें सेंध लगाता था, पूरा उसका एनेक्टमेंट करता। वो उस रंगमंच का, उसमें कोरस का, डांस का, म्यूजिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। धीरे धीरे रंगमंच डेवलप हुआ और कंट्रीज में बहुत रंगमंच डेवलप हुआ, स्टेज सज्जा पे लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया, अलग अलग तरह का थिएटर आया, अलग अलग लोगों ने, कई लोगों ने जो स्टेज क्राफ्ट है उसमें बहुत सारा काम किया, कई लोगों ने इसको एक्टर से बेहतर माना, एक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगे थे। एक धारा थिएटर में ये भी चली थी, लेकिन मोर और लेस आज तक। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है जी। हाँ जी सर, आ रही है बस। हाँ जी हाँ जी, तो हाँ जी लेकिन मोर और लेस आज भी थिएटर को एक्टर का ही मीडियम माना जाता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं चाहूंगा कुछ लोग मुझसे ऐसा कुछ डिस्कशन करना चाहें, कोई बातचीत करनी चाहें, तो आई एम ऑल फॉर इट। आज आज रंगमंच की जो स्थिति, बहुत उन्नत हो गया रंगमंच। तो रंगमंच का जो बेस है, असल में होता क्या है, एक नाटक देखते वक्त, एक फिल्म देखते वक्त हमारे साथ होता क्या। अगर मैं अरिस्टोटल के शब्दों में बताना चाहूं तो एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है वो, द पोएटिक्स, जिसने जिसमें उन्होंने दर्शक की मनोस्थिति को बयां किया है बहुत ही खूबसूरती से, कि नाटक देखते वक्त हमारा कैथारसिस हो जाता है।
कैथारसिस क्या, हमारी सफाई हो जाती है हमारे इमोशंस की। जिंदगी में क्या होता है कि बहुत सारे इमोशंस हमारे ऐसे हैं जो दबे रह जाते हैं। कई जगह हम रोना चाहते थे, हम रो नहीं सके। कई जगह हमें इतना गुस्सा आया था लेकिन हम बेबस थे, हम कुछ कर नहीं सके। कई जगह हम हंसना चाहते थे लेकिन वहां हंसना बहुत क्रूअल होता है, इसलिए हमने अपनी हंसी को दबा ली। ऐसे बहुत सारे इमोशन जिंदगी चलते हमारे अंदर दबे रह जाते और वो बहुत सारी परेशानियों का कारण बनते हैं हमारे लिए। मेरा एक शो चलता है डीडी पंजाबी पर, वो अपनी गर्ल संडे को 6 बजे होता है, तो उसमें हम एक दिन इसी पर बात कर रहे थे कि जैसे हंसना जरूरी है वैसे रोना भी बहुत जरूरी है। बहुत खूबसूरत शेर है, गुबार दिल पे बहुत चलो धो ले आज, खुली फिजा में जाके कहीं रो ले आज। तो ये इमोशंस जो है ना हमारे अंदर दबे रह जाते हैं, ये बाहर निकलने बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमें बीमार कर। तो नाटक ये बहुत बड़ा जरिया है। नाटक में एंग्री यंग मैन क्यों पॉपुलर हुआ, इस ट्रेजिडी किंग दिलीप साहब क्यों इतने पॉपुलर हुए, उनका अभिनय तो था ही, कहीं ना कहीं वो दर्द जो हम कई बार उस दर्द से जो हमें हमेशा महसूस होता रहा, किसी से बिछड़ने का दर्द, कुछ खो जाने का दर्द, लेकिन हम उससे मुक्त नहीं हो सके। हमने उसको स्क्रीन पर देखा तो हमें लगा कि वो हम दर्द से मुक्त हो। इसी तरह जो एंग्री सिस्टर से कुछ जो गलत हो रहा है बदला लेता है, तुम्हारे अंदर भी जो गुस्सा होता है किसी चीज के प्रति, किसी घटना के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है। हम उससे आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं उस किरदार से और वो हमें अपना लगने लग जाता है। हम खुद उसमें महसूस, अपने आप को महसूस करना शुरू कर देते हैं और वो जब वो उनसे बदला लेता है तो हमें, हमारे मन को भी एक सुकून मिलता है और हम शांत होकर, ठंडे होकर, उन दबे हुए इमोशन से आजाद होकर आ जाते हैं और ये जिंदगी को और जिंदगी और ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है। थिएटर क्या है, हम ये सिंपल भाषा में हम कहते हैं थिएटर जो दुनिया का, समाज का शीशा है। ये बहुत बड़ी बात, हम दुनिया को दिखाते हैं कि ये है। देखो कई बार कहते हैं भाषण से वो बात नहीं बनती जो नाटक से बनती। कई बार हम भाषण बहुत से देते हैं लेकिन नाटक कई बार वो बात कह जाता है जो भाषण नहीं कर पाता। मैंने इतना कहा तो उनसे बहुत कुछ सीखा कि नाटक एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जब जॉब करते थे, इधर थे वो डैम में जॉब करते थे, तो वहां के मजदूरों की कोई समस्या थी, तो उन्होंने समस्या क्या, उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने, उनके मन में विचार आया कि एक नाटक किया जाए जिनमें इन समस्याओं को इन मालिकों के सामने रखा जाए। तो इतनी खूबसूरती से वो समस्याएं वो मालिक तक पहुंची, उन्होंने कहा आप खुद ही मुझे बता देते, तो कहते नहीं ये इस जरिए से बताना ज्यादा इफेक्टिव था। तो उन्हें तब ये एहसास हुआ कि नाटक कितना खूबसूरत हमारे पास माध्यम है अपनी बात कहने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और ये सिर्फ हम यहाँ नहीं रुकते, हम ये नहीं बताते कि ये आपका समाज है, इसको आगे भी ले जा सकते हैं कि समाज ऐसा भी हो सकता है। हम एक नेक्स्ट लेवल तक भी ले जाके भी नाटक पेश कर सकते हैं, समाज इतना खूबसूरत भी हो सकता है। अलग अलग तरह के नाटक है, अलग अलग विधाएं हैं। हमारी कंट्री में ही बहुत सी लोक विधाएं हैं, जैसे बंगाल में यात्रा है, गुजरात में भवनी भवाई है, महाराष्ट्र में तमाशा है, तो बहुत रिच परंपरा है। और अब खुशी की बात यह है कि पंजाब में भी बहुत अच्छी परंपरा है, अमृतसर में इतना खूबसूरत थिएटर हो रहा है। मतलब वो जिन चीजों का हम कभी सपना लिया करते थे कि नाटक देखने लोग टिकट खर्च के आएंगे तो अमृतसर में होता, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे और चंडीगढ़ में पटियाला, तो ये लहरें चल रही हैं, क्योंकि इसके लिए रंगकर्मी, क्योंकि रंगकर्म है जो जो पैशन से होता है, वो जुनून से होता है, और नए नए लोग आते रहते हैं और इस आग में नए नए वो डालते रहते हैं, तो ये आग और फलती रहती है, जलती रहती है। बहुत सी बातें, मैं चाहता हूँ आप मुझसे इंटरेक्ट करें, कुछ कोई बात पूछना चाहे कोई।
सत श्री अकाल सर, श्रीकाल जी। मेरी आवाज आ रही मैनू सत श्री अकाल हूं तक आ रही सर। सी। श्रीकाल जी। सर पहला काम बचपन तो देखदा रहा जलंधर दूरदर्शन से, मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि तुसी साडे कॉलेज साडे नाल जुड़े हो। अच्छा, मैं ये जो लोकी कहते हैं थोड़ा ना, ते जे असि जो छोटे होंगे तो देखते होंगे सी, उदो मैं गल जरूर ऐड करता ना कि मैं भी उदो छोटा जिहा सी। अच्छा मेरा एक जी सवाल सी, मैं ज्यादा समा नहीं लूंगा। मेरा एक सवाल ये है तुहानू कि जो जी कलाकार आ, जो आर्ट एक एक्टर आ, की एक्टर एक एक्टिंग एक स्किल आ, इनू सीखा जा सकता, लेमैन भी सीख सकता, या ये वास्ते कोई पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग होंगे जिसे स्किल पॉलिश की जा सकती है? पहला एक दो सवाल लिखता है कि एक्टिंग कोई भी सीख सकता जिम्मे बाकी स्किल सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं आप, या ये वास्ते कोई स्पेसिफिक पोटेंशियल होंगे? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो सिनेमा आया साढ़े को, पहला तो जी थिएटर होंगे सी, वो नाल दी नाल खत्म हो रहा है, सिनेमा दे विच भी रिकॉर्डिंग की गई, एक तरह थिएटर नु रिकॉर्ड कर लेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सो ये सिनेमा ते थिएटर दा आपस दे विच जो कॉन्फ्लिक्ट है, एदा अगे फ्यूचर की होगा, इन फ्यूचर एदा की मतलब होएगा? कि मैं सवाल अपना पुट अप कर पाया सही, या मैं कुछ गलत बिल्कुल लिखा? ओके, बिल्कुल। हाँ थैंक यू सर। हां प्लीज। तो वही है कि मतलब आर्ट भी यही खूबसूरती है कि आर्ट दे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होंगे। आर्ट दे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होंगे। कुछ लोकी नेचुरल टैलेंट लेके पैदा होंगे हैं, कुछ लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पैंती है। है दोनों का कंबीनेशन ही है। मैनू स्टीव वॉ मार्क वॉ की ना गल बड़ी कमाल की याद आती। स्टीव वॉ मार्क वॉ आस्ट्रेलिया के क्रिकेटर से, दोनों ट्विन से, चौड़े से। स्टीव मार्क वॉ नू देख के अक्सर कहता कहता हों कहता मैनू इन्हू देख के बड़ा रश्क होंगे, बड़ी जलसी होंगी है। कहता जिनी खूबसूरती जिन्ना जिन्ना नैचुरली गिफ्टिड ये हैगा ना, काश मैं भी हों। कहता मैं घंटिया प्रैक्टिस कर करके मर जाना हाँ, ता जाके कितना ना कितने मेरे ड्राइव्स दे विच, मेरे स्ट्रोक्स दे विच वो क्लैरिटी मतलब अथॉरिटी आती है। ये जमांदरू इन्हू नैचुरली टेलेंट इन्ना मिले। मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गल जी मैं ना महसूस की है एक्टिंग नू लैके, कि कोई एक्टर किदा बनता है। असि सारे एक्टर होने हैं, तुसी इस एक गल का ध्यान रखियो। मैं अपने ते लागू करके गल तुहाडे नाल सांझी करूंगा कि मैंने शुरू तो एक्टिंग का शौक सी। बचपन च मैं 10 साल का सीगा जदों असी पहला ड्रामा किया स्टेज। असी उदों दिल्ली रहिंदे हुंदे सीगे, दिल्ली जी रेडियो कॉलोनी च, ते एक रात पहला डिसाइड हुआ। उत्थे हर साल ड्रामा हुंदा सी, वड्डे ड्रामा करदे हुंदे सी। ते मैं अपने दोस्तों नूं कहना चाहूंगा सबर रखियो, आराम नाल गल्लां होणगियां, क्योंकि हो सकदा मेरी गल्लां थोड़ियां लंबियां हो जाण। ते एक रात पहला सानूं पता लगा कि कल बच्चों का ड्रामा होगा। एक रात असी ड्रामा तैयार किया। मेरा छोटा जिहा रोल सीगा, ते साहब है हाँ वो है अंदर चले जाओ, मतलब जिदा मैं खेड खेड रहा हूं ना एकदम स्टेज से चला गया। पर जिदा जिदा हौली हौली उम्र वधी, एक्टिंग मेरा शौक वध्या, पर मेरा स्टेज फ्राइट बड़ा वध गया। स्टेज से जान लगे मुझे डर बड़ा लगन लग पा। मैं कई बार इस गल को एनालाइज करना कि मैं बच्चों से जी स्पॉन्टेनिटी सी वो कितने गुआच गई। वो स्पॉन्टेनिटी दोबारा हासिल करने लिए मैनू दोबारा बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। दोबारा अल्टीमेटली गल यही है कि डर ना ही तुम जित सकते हो, डर का सामना करोगे। सो स्टेज फ्राइट नू ओवरकम करने का एको तरीका से कि मैं स्टेज से जाना शुरू करता, हौली हौली मेरा वो डर दूर होया। सो मैं ये कहना कि एक्टिंग डेफिनेटली सीखी जा सकती है। इब्राहिम अलकाजी साहब बहुत साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैं हिंदी से भी थोड़ा जब बोल देना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर रहे हैं इब्राहिम अलकाजी साहब, तो वो ये बात कहते होते थे कि एक्टिंग कैन नॉट बी टॉट, इट कैन बी लर्न। एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, हाँ सीखी जरूर जा सकती है। तो हमारे समय के महान एक्टर नसीर साहब अक्सर ये बात कोट करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो अपने इरफान साहब है, जो इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन एक्टर थे। उन्होंने कहा जब मैंने एक्टर बनने की सोची तो मैंने सोचा हाँ फिर ऐसे ही नहीं है,
इसे मैं प्रॉपर सीखूं। अब सीखने का तरीका क्या है, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है। आपका सवाल था कि एक्टिंग के लिए कुछ खास होता है, होता तो जरूर है, मैं मानता हूं कुछ ना कुछ आप में नेचुरली होता है और एक हद तक मैंने देखा सब में होता है। लेकिन कुछ लोग उम्र बीतने के साथ अपने खोल में घुसते चले जाते हैं, कुछ लोग खुलते चले जाते हैं। मेरे लिए क्या है? मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, सिंपल सी बात, हुआ क्या कि मैं एक्टिंग में डरने क्यों लग गया कि हम एज ए सोसाइटी कितना बड़ा गुनाह करते हैं। हम बच्चों के सामने जो आइडल्स प्रेजेंट करते हैं ना, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं। हम कहते अच्छा एक्टर बनना है, एक्टिंग करके दिखा, वो रातों रात एक्टर नहीं करेगा। हम उस पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरने लग जाता है। मैं अपने बच्चों से पहली बात ये कहता हूं, दबा के गलतियां करो, क्योंकि जो गलतियां करेगा वही कुछ सीख सकता है। हम में से बहुत से टीचर्स, बहुत से पेरेंट्स, हम इतनी बड़ी गलती करते हैं, हम अपने बच्चों को गलती करने का मौका नहीं देते। यही सबसे बड़ी गलती है। और जो गलतियां करते जाते हैं, वो जो करता रहेगा वो सीख ही जाएगा, जो रास्ते पर चल पड़ेगा वो सीख जाएगा। बहुत से इसी कारण, क्योंकि हमें जो हमारी जो सोसाइटी की कंडीशनिंग है, क्लास में कुछ गलत बोल दिया तो मजाक उड़ेगा हमारा, तो उड़े ना। मैं तो स्टूडेंट्स को पहली बात ये बताता हूँ कि आप जिस दिन पागल साबित हो गए ना अपने घर वालों की नजर में, और आप बोलो, अखबार पकड़ो, दीवार की तरफ मुंह खोल मुंह करके बोलो, ऊंची ऊंची बोलो, घर वाले जिस दिन पागल करना शुरू कर देंगे, मतलब आप सही ट्रैक पर हो। गलतियां करने का हौसला, बॉटम लाइन एक बात, जब कर करके सीख जाओगे। किसी में ज्यादा बेसिकली बात यह है कि एक्टर बनना वही चाहेगा जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना पुल, कोई कशिश, कोई पुल होगा, वही बनना चाहेगा। अब अगला स्टेप जो आता है, वो सोचेगा यार वो एक्टर तो इतना कमाल का एक्टर है, वो अरे भाई उसने 20 साल लगाए, ये मत भूलो। तो पहली बात ये है कि एक्टर बनना है तो सीखना शुरू कर दो, गलतियां करनी शुरू कर दो। कोई इसकी कोई एज नहीं है इसका, यार हमारे मन की ये हमारे मन के डर है जो हमने खुद बनाए हुए हैं। सो आपका जो पहला सवाल था, एक्टर हर कोई बन सकता, क्योंकि पहली बात कि किसी में होगा कुछ करने का जज्बा, कुछ आग होगी, वही एक्टर बनना चाहेगा, कोई किसी को तो एक्टर बनाएगा नहीं। दूसरी बात, गलतियां करने से मत डरो, गलतियां कर करके ही सही हो। एक बार में सही, जो हम आज स्ट्रेट ट्राइक देखते हैं ना सचिन तेंदुलकर का, सालों लगे उसको परफेक्ट करने में, जो इन स्विंग आती ना मैग्रास की, और तो वो उस घंटों की प्रैक्टिस है। तो एक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लगातार प्रैक्टिस, आपका जुनून आपको कोई रोक ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी, आपने कही थी टीवी और टीवी फिल्म की और थिएटर की, ठीक है। जब टीवी आया था लोगों को लगता था थिएटर खत्म हो जाएगा, जब सिनेमा आया लोगों को लगता था थिएटर खत्म हो जाएगा, जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना थिएटर क्या, लाइव एक्टर की जो सेंसेशन है ना देखने की, वो अलग है। आजकल मेरा एक नाटक जो करता हूँ, जिसके अक्सर शोज करता हूँ, ऑल माय सन्स, वो नाटक है, भेजेगा हेलो, सॉरी कॉल आ गई थी, कई जगह सिलेबस में लगा हुआ है, तो उसमें एक पॉइंट पर आकर मुझे रोना है। मुझे पता है कि ये थिएटर है, और यहां तक इसमें मेरे आंसू डेवलप होने चाहिए, यहां तक मुझे इतना अंदर से फील होना चाहिए, अंदर के तार हिलने चाहिए कि मेरे आंसू निकल आए। वो थिएटर है, मुझे वो करना ही करना है। सिनेमा में हमारे पास रीटेक होते हैं, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव के सिनेमा की एक्टिंग थिएटर की एक्टिंग से ज्यादा मुश्किल है। कई लोग हो सकता है मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन इतने एक्सपीरियंस के बाद भाई मैंने तो यही सीखा, क्योंकि वहां काम बहुत टूट टूट के होता है। थिएटर में क्या है कि एक थप्पड़ पड़ा, एक एक्टर ने थप्पड़ मारा, दूसरे का रिएक्शन साथ के साथ आता, क्योंकि वो आप एक मूड में जब आप होते हैं ना, तो वो मूड टूटता नहीं। थिएटर की खासियत है, एक एक्टर को हेल्प होती है,
आप एक मूड में आ गए तो बस फिर कैरी होता है मूड। फिल्म में क्या आप एक इमोशनल सीन आपने दिया, इतने जबरदस्त इमोशन डेवलप हुए। वो कहता ओ सर कैमरा की गलती हो गई थी, इधर से लाइट हिल गई थी। अरे दोबारा वो इमोशन आपको बिल्डअप करना। और अरे सर हाँ वो सर दो दिन पहले आपको थप्पड़ पड़ा था, चलिए हम उसका रिएक्शन लेते हैं। सो मैं मानता हूं कि सीखने के लिए थिएटर ही है। फिल्म में जाके आप सीख नहीं सकते, फिल्म में तो आप तैयार होकर ही जाएंगे। फिल्म में आप या तो आप बहुत बड़े किसी बाप के बेटे हो जो आपके बार बार आप पर पैसा लगा सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप फिल्मों में जाना चाहते हैं, टीवी में जाना चाहते हैं, तो आपकी थिएटर में तैयारी करके जाए। और बात यह है कि थिएटर तो चलता ही रहता है, जो लाइव एक्टर को देखने की सेंसेशन है वो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आई थिंक काफी आपको मेरी बात से जवाब। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहता हूँ आप लोगों से, हाँ जी पाजी कुछ हुई तो सली। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी खुशी हुई गल करके। थैंक्स, कोई बातचीत। हेलो, हाँ जी सर, बसरा सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ आ रही है सर। मैं रुपिंदर सिंह बोल रहा हूँ जीपीसी से। तो मेरा भी क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट्स जुड़े हैं, कई टीचर्स जुड़े हैं। हाँ जी हाँ सर, आओ बातचीत करें कुछ। हाँ जी हाँ, मुझे कुछ आपसे सीखने को मिले। तो फिलहाल तो थोड़ी देर क्योंकि आपका प्रोसेस है, मुझे पता है आज मैं इससे कितना कुछ लेके जाऊंगा इस इंटरेक्शन से। सर जिस तरह होना थी फेस्टिवल से तैयार कर देना, ये बड़ी समस्या है। मैं सच कह रहा हूं मैम, इतनी बड़ी समस्या है ना जो हमारे सिस्टम ने हमें दी है। हम सवाल पूछने से इतना डरते हैं ना, ओहो कि मैं अगर मेरा सवाल गलत ना हो जाए। मैं ये कहता हूँ जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिस वक्त आप गलती करने से नहीं डरेंगे ना, कितने सवाल, मुझे पता है बहुत से सवाल बहुत से लोगों के मन में आ रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग, इवन मैंने अपने साथ पढ़ते देखे हैं, मेरे साथ उन्होंने बीए की। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि जैसे आए थे ना बीए के पहले 3 साल थे, वो वैसे ही चले गए और जिंदगी वैसे ही बसर करेंगे, क्योंकि वो ओपन अप नहीं हुए, क्योंकि हमेशा सवाल पूछने से डरते रहे। हमारे कई तरह के डर हैं, उनमें एक बहुत बड़ा डर है मजाक उड़ाए जाने। हम इस बात से इतना डरते हैं ना यार, कहीं मैं गलत बोल दिया तो क्या हो गया। आज गलत बोलोगे कल सही बोला जाएगा, गलत नहीं बोलोगे कभी बोला ही नहीं जाएगा। मैं कहता हूं हमारे रिश्तों में बहुत सी समस्याएं इस बात से हल हो जाए अगर आराम से बातचीत करना शुरू कर। बात तो हम करते नहीं है, हम तो पीठ के पीछे बात करते हैं, वो ये कर रहा था, ये कर रहा था, बैठो यार बात करो। थिएटर सबसे बड़ी बात ये सिखाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, आप अपनी बात आगे रख पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मेरे मैं जिन दोस्तों की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कभी क्लास में उठ के सवाल ही नहीं पूछा, वो खुले नहीं, वो पैक्ड आए थे, पैक्ड ही चले गए 3 साल। एक बार तो मैदान में अगर कुश्ती लड़नी है तो वो लंगोट पहन के मैदान में आना हो, एक बार मिट्टी में मिट्टी होना हो, एक बार ये मानना पड़ेगा कि हमें नहीं आता। इसी से सारी ग्रोथ शुरू हो। हमारी समस्या ये है कि हम अपने आप को वो प्रेजेंट करना चाहते जो हम नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूं कॉन्फिडेंस क्या होता है। आज एक लाइन में आपको समझाऊंगा कॉन्फिडेंस है क्या। कॉन्फिडेंस इज जस्ट बीइंग योरसेल्फ, दैट्स इट। इससे बड़ा कॉन्फिडेंस कोई नहीं होता कि मैं जैसा हूं वैसा हूं। और जिस दिन आप वैसे होंगे आप सुपर कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे इतना आता है। जिस दिन आप मान लेंगे मुझे तो बस इतना आता है, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। हम ये अपने आप को ना अपने से ज्यादा प्रेजेंट करने की आदत पड़ गई। हमने जुमलेबाजी की आदत पड़ गई, बड़ी बड़ी बातें करने की। आजकल हमें इस पर ज्यादा एम्फेसिस हो गया, कुछ आता जाता है नहीं, वो जरूरी नहीं है, दिखावा करो कि हमें बहुत कुछ आता जाता है। अगर वाकई में सीखना है ना तो एक बारी मैदान में आना हो और कॉन्फिडेंट हो, यही से कॉन्फिडेंट। कौन आदमी कॉन्फिडेंट है, जो मस्त है, जो फकीर है, जिसने फालतू का बोझ अपने दिमाग में नहीं डाल रखा कि मैं अपने आप को क्यों यार
मैं तो आज भी बिल्कुल, मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता सच में, थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा वो मैं शेयर करने के तैयार हूँ। जिस दिन आप ये मान लेंगे ना कि मैं ये हूं और मुझे इतना ही आता है और मुझे नहीं आता है, सो व्हाट, कोई भी पैदा होते कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं, क्या आता था आपको, चलना सीखा आपने, बोलना सीखा, धीरे धीरे खाना खाना सीखा, सब कुछ आपने यहां की सीखा, तो सीखने में इतनी समस्या क्यों। और मैं दोस्तों से, टीचर से और पेरेंट्स से भी साथ जुड़े हुए गुजारिश करना चाहूंगा कि बच्चों से पर इतना प्रेशर मत डालें, तो जल्दी से जल्दी सीख जाए, क्योंकि क्योंकि ये हमें जो पहुंचने की कहीं ना कहीं बहुत जल्दी है ना, ये हमारी इन क्रिएटिव चीजों को में बहुत बड़ी बाधा पड़ जाती है, ये प्रोसेस तो सारी ताव में चलता चलते रहना चाहिए। सो आई इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स जो अभी तक ये इधर उधर मैं पूछा, मैं कि ना पूछा, मैं ये ना पूछा, कम ऑन यार, हम बातचीत कर रहे हैं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, मैं सच बोलता हूँ इसमें, मैं वाकई सच बोलता हूँ, मैं सिर्फ मैंने जो देखता हूँ, क्योंकि मैं चीजों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, अपने तरीके से बोलता हूँ। मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ कि मैं आपको तब तक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अपने वो अपने आप में वो स्पॉन्टेनिटी बरकरार रखिए, सच बोलने, अगर आपको मेरी बातें बकवास लगती है ना तो आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, मैं सच कह रहा हूं, अपने जजमेंट से भी विश्वास करना सीखिए। हम पता क्या होता है, मैं बहुत बार देखा है, हम आमतौर पर सेकंड हैंड थर्ड हैंड जिंदगी जीते, हम खोखले होते हैं, इसलिए हम कोई ना कोई इज्म अपना लेते हैं, हम कुछ ना कुछ हम उसके साथ, अरे यार क्यों, हम आप अकेले खड़े क्यों नहीं रह सकते, जैसे हो वैसे क्यों नहीं रह सकते। जीनियस कौन होते हैं, आप कभी जिन्हें हम जीनियस मानते हैं ना सोसाइटी में, कभी उनकी बात उठा के देखो, वो अनोखी बात होती है उनकी, बस इतना होता है कि आपकी तरह उन्होंने वो बात कूड़े के डब्बे में फेंकी नहीं होती, आपने भी वही बात सोची होती, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस बात को सोच के डर के, यार ऐसी बात कहूंगा लोग कहेंगे ये पागल हो गया, तो क्या उस आजादी को महसूस करो, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी को, और मानो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। एक छोटी सी कहानी है, बहुत आपने कई बार सुनी है, मैंने अपने शो में भी कई बार सुनाई है, वो छोटी कहानी थी, एक राजा को कपड़े पहनने का बहुत शौक था, तो दो ठग आए कि इससे पैसा ऐंठते हैं, वो हवा में कपड़ा बनाने लगे, मैं बहुत ब्रीफ करके सुनाऊंगा। तो जब वो उनका सेनापति इंक्वायर करने पहुंचा, ये कैसी ड्रेस बना रहे हैं, तो वो हवा में कुछ था ही नहीं, लेकिन उन्होंने उन पर कंडीशन डाल दी, ये दिखाई सिर्फ उसी को देगी जो राजा का वफादार है। तो वो सारे डर गए कि अच्छा हम राजा के वफादार नहीं, वो झूठी तारीफ करने लग गए, और राजा भी अपनी सनक में उस ड्रेस को लेकर, हालांकि कुछ नहीं पहना हुआ था उसने, अंडर गारमेंट्स में था वो अपनी यात्रा पे निकल गया, उसे शौक था जब नई ड्रेस पहनता था, तो वो पूरे नुमाइश करता था पूरे अपने शहर में, अपने राज में, तो लोग वहां पर साथ अनाउंसमेंट हो रही है, सिर्फ उसी को देखेगी जिसने जो राजा का वफादार है। अब लोग दबी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कोई खुल के, उसमें एक बच्चा, वो बच्चा देखा था, बच्चे ने देखा वो राजा नंगा हुए, ये स्पॉन्टेनिटी अपनी बचपन वाली कायम रखी, जब जैसे हम बचपन में एक्टिंग करते थे, हमारी वो स्पॉन्टेनिटी कहां खो जाती है, वो सीखने की, चीजों को सामने कहने की, चीजों को एक्सेप्ट करने की, अपने आप को एक्सेप्ट करने की, मैं चाहता हूं वो स्पॉन्टेनिटी कायम रहे। हम इतना डरते हैं ना सवाल पूछने से, और क्लासमेट से भी, मैं जो दूसरे क्लासमेट्स होते हैं ना, जो कुछ करना नहीं चाहते होते, वो जो मजाक उड़ाते हैं, होता क्या है, वो आपने कुछ ऐसा बोला कि कोई वर्ड ऐसे नहीं बोल लिया, मैंने देखा है क्लासमेट्स उसके बाद उसकी वो छेड़ पड़ जाती है, कोई भी समझ लीजिए, कोई भी वर्ड हमने पूछा कि सर स्टेज क्राफ्ट क्या होता है, किसी ने पूछ लिया थिएटर में, तो चलो जी उसके बाद क्या होगा, एक मंडली होती है जिसका काम कुछ नहीं करना होता, वो क्या बोलेगी, ओ देखो स्टेज क्राफ्ट तो रहा होगा, स्टेज क्राफ्ट चला रहा, उसको छाती ठोक के कहो हाँ मैं हूं स्टेज क्राफ्ट। जितना डरोगे ना उतना उतना जितना भागो उतना आपका डर बढ़ेगा, हाँ मैं हूं स्टेज क्राफ्ट, बात खत्म हो जाती है वहीं, जितना आप इस बात से खिंचोगे, जितना आप इस बात से परेशान होगे, क्योंकि मैं जिंदगी में इससे जब गुजरता हूं तो मैं बहुत कुछ ऑब्जर्व करता हूं,
और मैं जब भी अपने शो में भी मेरी कोशिश यही होती है, क्योंकि मैंने जो सीखा है, आदमी सीखता कैसे है? मैं आज आपको बहुत सी बातें बता अपने एक्सपीरियंस बता जाऊंगा, वो बातें आपकी अपनी नहीं बनेंगी जब तक आप उन पर विचार नहीं करो। मैं सीखता हूँ, देखता हूँ, किसी का विचार भी अगर मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ उसके बारे में। हम रोज बातें क्या क्या कितने सदाचारिक बातें हम सुनते हैं, सच बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, रोज सुनते हैं और बाउंसर की तरह हमारे सर से निकल जाती है। सच बोलना चाहिए हमेशा, ये किस ये सच, ये आपकी आपके 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 वजूद ऐसा कब बनेगा, जिस दिन आपको वाकई में जिंदगी के किसी मोड़ पे एहसास होगा हाँ यार सच बोलना चाहिए, उस दिन ये बात आपकी बनेगी, उस दिन आप ये बात सीखेंगे। बोलो यार कुछ बोलो, मैं ही बोलता जा रहा हूँ, मैम कुछ बोलिए। सर आई वांट टू आस्क समथिंग। मैं तो सोच रहा था बहुत से लोग बहुत सी बातें करने वाले। मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। हेलो हेलो, थोड़ी सी आवाज आई मुझे किसी की। हेलो हेलो सर, हेलो सर, आर यू लिसनिंग मी, आर यू एबल टू लिसनिंग मी? यस मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आवाज आ रही है मुझे थोड़ी सी, आवाज सर। myself associate professor tejinder kaur from dv college malot। बहुत कम आवाज आ रही है। now it's okay, आवाज आ रही है कि क्लियर? माइक शायद ऑन नहीं है। ऑन है सर, मेरा माइक ऑन है। सर को नहीं सुनाई दे रहा। आप मैम अगर कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप करके मुझे बता दीजिए। हाँ जी सर, एक सवाल है, मेरी आवाज सुन पा रहे हो सर? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी मैम। मेरी आवाज आ रही सर? नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। क्या हो गया, मुझे आवाज नहीं सुन रही किसी की? सर अब आइए आवाज, क्वेश्चन पढ़ो सर में। सर मुझे आपकी आवाज सुन रही है? आप बहुत थोड़ी सुन रहे मुझे आपकी आवाज, बोलिए। एक मिनट सर, क्वेश्चन है ये वैशाली का क्वेश्चन है कि डायलॉग डिलीवरी के लिए भाषा का कितना महत्व है, भाषा का क्या रोल है डायलॉग डिलीवरी में उच्चारण का, ये वैशाली का क्वेश्चन है, ये पार्टिसिपेंट वैशाली जी का सवाल है कि डायलॉग के लिए भाषा का क्या महत्व है। जी जी सर, यही है ना जी? हाँ जी हाँ जी सर, भाषा तो बेस है वैशाली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाषा के बिना आप किसी के इमोशंस को टच नहीं कर सकते। बड़ी मजेदार एग्जांपल आपको देता हूँ, मेहर मित्तल पंजाबी के कॉमेडियन, उनकी सारी कॉमेडी भाषा में ही। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, कुछ हिंदी सीरियल्स में काम किया, वो इंप्रेशन वहां जमा ही नहीं पाए। इसका सीधा संबंध भाषा अंदर से आती है। भाषा जब तक आप महसूस करके नहीं बोलोगे और उसका सही तलफ्फुज नहीं होगा। बहुत से एक्टर हैं, आपने पंजाबी फिल्मों में बहुत सी कुछ ऐसी हीरोइंस आई हैं, कुछ ऐसे एक्टर्स आए हैं जिनकी पंजाबी सही नहीं, आप जुड़े नहीं पाते। तलफ्फुज इतनी जरूरी चीज है ना। अभी मैं उस दिन ना किसी ने फेसबुक पर गजल डाली थी, गजल, तो वो जगजीत सिंह साहब की गजल है तेरे आने की, उन्होंने जो गाया था, जब खबर महके तेरी खुशबू से, मैंने उसी वक्त उसको ऑफ कर दिया। तलफ्फुज इतना सही होना इतना जरूरी है ना, क्योंकि सीधा ही ध्यान आपका जाएगा, आप जुड़ ही नहीं पाएंगे। वो जब के होना चाहिए था तेरे आने की जब खबर, वो नुक्ता है, महके तेरी खुशबू से सारा
तलफ्फुज भाषा बहुत जरूरी है और इसकी प्रैक्टिस करनी करनी चाहिए प्रॉपर। कोई अखबार उठाइए, हिंदी पढ़नी है, पंजाबी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, अखबार उठाइए, स्क्रिप्ट उठाइए। और मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ कुछ पढ़ा किताब में, और अपने इस थोबड़े को हिलाइए थोड़ा सा, इस चौखटे को हिलाइए। लड़कियों की समस्या भी ज्यादातर क्या होती है, वो खोल कर बोलती रही, तो बहुत से शब्द जो है ना उच्चारित नहीं होते प्रॉपरली। खोलिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, इसको हिलाइए, वो आए ही, ये बेसिक एक्सरसाइज, वो आए ही। तो आप एक अखबार को उठा के, कुछ भी उठा के उसे पढ़िए। आज हमारे शहर में एक नई क्रांति का उदय हुआ, इसके बारे में हमारे डीसी साहब का कहना है कि ऐसी क्रांतियां शहर शहर में होनी चाहिए। एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, भाषा सुधारिए, ये बहुत जरूरी है एक्टिंग के लिए। अब हमारे भगवंत मान साहब इतने कमाल के कॉमेडियन है, जब ये लाफ्टर चैलेंज में गए तो इनकी कॉमेडी की वो थोड़ी सी ना वो हल्की पड़ गई भाषा की वजह से, क्योंकि कॉमेडी ना अंदर से आती फूटती। अब राजू श्रीवास्तव की हिंदी देख लीजिए, वो अंदर से फूटती है उसकी, वो खेलता है जब भाषा के साथ। वो उतना खेल नहीं पाए भगवान मान साहब, इनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, ये उतना खेल नहीं पाए क्योंकि भाषा पर उसकी कमांड नहीं थी। आज के आप अब तक के बेहतरीन एक्टर्स देखिए आप, राइट फ्रॉम पृथ्वीराज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, बलराज सहनी, संजीव कुमार, नसीरुद्दीन शाह, इरफान, भाषा पे क्या पकड़ थी। भाषा ही तो है बेस, आपका सही तलफ्फुज ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच वैशाली जी। क्वेश्चन वैशाली का नहीं, सॉरी, ज्योति शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं, रामगढ़िया कॉलेज से चुका था सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं। बोलिए बोलिए ज्योति जी। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन है, मुझे इतनी कम क्यों सुनाई दे रही है? ज्योति बोलिए, मैं देख पा रहा हूँ आपको। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार आप डायलॉग डिलीवरी जिस वे कर रहे होने हैं या अपना एक्ट कर रहे होने हैं, कई स्टूडेंट इस तरह के होंगे कि बिल्कुल वो खो जाते हैं, फिर उन्होंने उस करैक्टर तो बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, डूब जाते हैं वो अपने उसमें के, मैं खुद देख चुका हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, तो वो जब इंट्रोडक्शन हो रही होती थी ना प्ले के बाद, वो उसको संभालना इतना मुश्किल हो जाता था। मैं इसी बहाने आपसे दो एक अच्छी सी कविता शेयर हो जाएगी। लास्ट में उसकी एक कविता थी, और मैं लौट आई अपनी केंचुली में दुबकी, प्रश्न बदल गए थे, ग्रहण की तरह दौड़े आते थे, जैसे निगल जाएंगी मेरा वजूद, दूर तक दुमेल सुने थे, किस ओर थी मैं कट करेगी, इस ओर या उस ओर, चुप रहेंगे तो 100 टुकड़ों में फट जाएंगे सर आपके, बेताली कहानियों के विक्रम की तरह लौट जाएंगे अपने घरों को आप, मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह, बिना सरों के खाली खाली खंदे। ये कविता बोल के उदा जो हाल हुंदा सी ना, ए ज्योति, ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है, इसका और कोई तरीका नहीं। के हालांकि ये बहुत से एक्टर्स हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं, बहुत से एक्ट्रेस हैं लाइक श्रीदेवी। मैं श्रीदेवी जी को लोग इतना मानते थे कि मतलब महेश भट्ट साहब एक बार उनके बारे में बोल रहे थे, यार कितनी एक्टिंग मशीन है, अब इसको रोने दूंगा रो के ये मिनट में वैसी हो जाएगी, अब इसको हंसने को कहूंगा, अब इसको गुस्सा करने को कहूंगा। ज्योति जी ये प्रैक्टिस से ही आता है। मेरे बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसी थी, मेरा एक एक्टर था, वो मुझे अक्सर शिकायत करता था, वो नेचुरली गिफ्टेड, कहीं ना कहीं नेचुरली गिफ्टेड कुछ होते हैं उसमें ज्यादा। मैं ये मानता हूँ कि वो जो मैटर करता है वो एंड प्रोडक्ट मैटर करता है, चाहे आप 20%
कुछ को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, कुछ को मेहनत कम करो, कुछ नेचुरल गिफ्टेड ज्यादा होते हैं, बस इतनी सी बात है। ज्योति ये प्रैक्टिस से ही आता है, धीरे धीरे कर करके आप उस इमोशन में आके था, उसके बाद एकदम अलग होके बैठ सकते हैं, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ये भी स्टूडेंट मैम कई बार आप इतना उसमें हो जाते हैं, उसके बाद उससे निकालना। हालांकि मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ी बात बताऊं, इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वही बात है, बातें लंबी हो रही है लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं है। आपको यकीन, आप मानेंगे इस बात को कि दिलीप कुमार साहब ने जब देवदास, दाग और इस तरह की फिल्में की तो उन्हें साइकेट्रिस्ट ने सलाह दी थी कि भाई मेरे आप इतना खो जाते हो इनमें, दो चार कॉमेडीज कर लो। और इसलिए दिलीप कुमार साहब ने आन और ये और कई इस तरह की कॉमेडी फिल्में की, राम और श्याम जैसे। वो इतना बड़ा एक्टर को वो इतना, और दिलीप कुमार साहब के पास जब गुरुदत्त साहब वो प्यासा फिल्म की ऑफर लेकर गए ना, तो दिलीप कुमार साहब कहते ये फिल्म तो मारी डालेगी रहने थी यार, मैं तो मरी जाऊंगा। वो इतना इतना गहरा उतर जाते थे किरदारों में, फिर गुरुदत्त साहब ने वो रोल आप ही किया था। सो ये होता है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही होता है, क्योंकि दूसरी तरफ ये है कि अगर हम उसमें जाएंगे नहीं तो ड्राइव ही नहीं आएगी परफॉर्मेंस में, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है आई थिंक, है ना। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर ये रामपाल, रामपाल जी हैं, बंगा कॉलेज से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपना। हाँ जी प्लीज रामपाल, प्लीज प्लीज मैं सुन रहा हूँ, कान के साथ फोन लगा रखा मैंने। जी जी भाई, समझ नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं धीमी क्यों आ रही जी। रामपाल जी कौन है जी, कौन पूछना चाहते हैं? रामपाल जी, रामपाल जी बंगा कॉलेज से, प्लीज प्लीज पूछिए। शायद वो पूछिए, मैं सुन रहा, मुझे सुन रहा, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ जी आगे है जी, ज्योति पंकज एएस कॉलेज से हैं, उनका क्वेश्चन है कि सर पुराने रंगमंच पर आज के रंगमंच में आए बदलाव के बारे में बताएं। हाँ जी, पुराने रंगमंच पर आज के रंगमंच में आए बदलाव के बारे में बताएं। ठीक है जी, जी सर, ये एएस कॉलेज से। पुराने रंगमंच में और आज रंगमंच में क्या बदलाव आया है ये बताएं, यही है ना क्वेश्चन हमारा। अब बहुत से बदलाव आए हैं, पहला सबसे बड़ा बदलाव जो आया है खास तौर पे पंजाब के रंगमंच में, वो मैं बराड़ा साहब को सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि हम जब थिएटर करते थे तो या तो शुरू शुरू में तो हम पर्चियां काटते होते थे, तो लोग भी कई बार उब जाते थे हमसे, ये फिर इन्होंने नाटक करना है, तो ऐसे हम अपना खर्चा निकालते थे, कई बार तो फ्री करते थे थिएटर। तो फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप, ये किसी दूसरे कंपनी की स्पॉन्सरशिप ले ली, तो हमारा एक सपना होता था कि यार जैसा, क्योंकि पंजाब में थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर उतना डेवलप नहीं हो सका। टिवाणा साहब ने 60s में 70s में कोशिश की थी, और लुधियाना में ये रवायत चलाई थी कि लोगों ने ये टिकट खर्च कर उस वक्त रंगमंच देखा, नाटक देखे, लेकिन धीरे धीरे ये उतना पैर पकड़ नहीं सकी ये रवायत जो है। हम इस बात का सपना देखते हैं कि पंजाब में भी कभी ऐसा होगा कि लोग टिकट खर्च के थिएटर देखेंगे। तो बराड़ साहब हैं जिन्होंने नाटशाला बनाई, पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, पैशन भी बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन उसको उसमें पैशन, अपने पैशन को, अपने सपने को हकीकत में तब्दील करना, ये बराड़ा साहब ने किया। उन्होंने पंजाब नाटशाला बनाई अमृतसर में, तो वहां मैंने 2010 में एक शो किया था, मेरा प्ले था, तो वहां उस वक्त 20 रुपए की टिकट थी। आई फेल्ट सो हैप्पी। तो उसके बाद मैं एक बार नाटक देखने गया अपने दोस्त, मेरे दोस्त का नाटक था, तो वो कहता अच्छा टिकट मैं ले लूं, तो मैं कहा नहीं 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 टिकट, इस नाटक की टिकट मैं खुद खरीदूं। सो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि लोग, मैं चाहता हूँ कि ये हर हर शहर में होना चाहिए, तो क्योंकि वहां टैक्स भी माफ हो गया, तो हर शहर में होना चाहिए, ताकि हर शहर में, क्योंकि लोग हैं, लोग हैं। और सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी टाउन में, छोटे से शहर में रंगमंच शुरू करते हैं तो प्लीज अच्छा काम करिए। मैं स्ट्रॉन्गली ये कहता हूँ,
आप एक खराब नाटक करेंगे ना तो ऑडियंस आपसे खुश है। सीख के नाटक करें, किसी प्रोफेशनल आदमी को बुला लें, क्योंकि एक बार जब आप नाटक एक अच्छी प्रस्तुति देंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ लोग आपको पूछेंगे भाई अगला नाटक कब होगा। सो अच्छे अच्छे चीज की हर जगह। लेकिन आजकल क्या है मैं आपको बताता हूँ, आजकल स्टूडेंट्स में उतनी पेशेंस नहीं है, जो सबसे बड़ा बदलाव मैंने देखा। या पता नहीं शायद ये अच्छा है कि स्टूडेंट कैरियर कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं, उन्हें लगता है कि इसमें करियर है कि नहीं। हमारे समय में तो क्या था कि मुंह उठा कर अगर टीचर ने बुला लिया ना तो चल दिए, पता नहीं कहाँ रहेंगे, कितने दिन क्या होगा कुछ पता नहीं है, चल दिए हैं। इतना जबरदस्त पैशन होता था नाटक का, वो पैशन आज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में मिसिंग है, ये मैंने जरूर देखा। मेरा एक स्टूडेंट था तो उसको मैंने एक उसमें बुलाया, तो उसके बाद मैं चाहता था उसको अपनी टेली फिल्म में लेना, एक फिल्म में मेरे साथ जुड़ा है तो हम इकट्ठे काम करेंगे। बहुत जल्दी वो अपने कहता नहीं सर इधर कुछ बांधा नहीं सी पाया, तो मैं था अपने बिजनेस से पै गया। हमें जल्दी बहुत है और रंगमंच में तो खास तौर पे टाइम लगता है और हर एक्टर चाहता है, क्योंकि एक्टिंग एक्टिंग। मैं इसमें इसको कोई अलग से कुछ नहीं मानता कि टीवी एक्टिंग, हर एक्टर चाहेगा उसे ज्यादा एक्सपोजर मिले, उसे वो टीवी में भी जाए, वो उसमें भी जाए। और अगर बदलाव की बात करें तो तकनीक के तौर पर रंगमंच काफी डेवलप हुआ। आप प्रोफेशनल थिएटर जाके अमृतसर देखें, चंडीगढ़ देखें, पटियाला में देखें, तो आज भव्य सेट्स भी लगने शुरू हो गए हैं, कॉस्ट्यूम्स में बड़ा प्रोफेशनल लेवल का काम होता है जो आज से 20 साल पहले नहीं होता था। प्रोफेशनल लेवल का बढ़िया काम होता है, मतलब आज की हमारी प्रोडक्शन मतलब NSD को कम्पीट करती हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एक डिटेलिंग होती है, प्रोफेशनल सेट्स लगते हैं, प्रोफेशनल एक्टर्स में वो बात आ गई, क्योंकि फुल टाइम लोग थिएटर करते हैं और इसी पर सरवाइव करते हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी था कि एक्टर अगर अपना अपने आप को पूरा किसी में झोंकता है, रंगकर्मी झोंकता, तो इस रिजल्ट मिले, तो मिलते हैं रिजल्ट। जिन लोगों ने सोचा है कि उन्होंने फुल टाइम थिएटर करना, ऐसे बहुत से लोग हैं और उन्होंने थिएटर पर ही सर्वाइव किया और अच्छा सर्वाइव किया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव। और बहुत बड़ी बात जो इस बार यूथ फेस्टिवल नहीं हुआ, वो बहुत बहुत बड़ा धक्का लगा प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल्स के लिए एक ऐसा मंच था कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स कॉलेजेस के साथ जुड़ते थे, वो साल भर का कमा लेते थे, तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा रंग कर्मियों को। मैं उनकी उनके दर्द को महसूस कर सकता हूँ। तो ये एक एवेन्यू था, ये बहुत से बदलाव आए हैं कॉलेजेस में जो थिएटर आया है, तो बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट्स। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रिमल जौड़ा साहब मुझे अक्सर बुलाते हैं जजमेंट्स पे, तो कई बार तो ऐसे नाटक देखने को मिलते हैं आंखें खुली रह जाती, मजा आ जाता। बहुत ग्रो कर रहा है थिएटर, इतना कि वो पैशन की कहीं ना कहीं कमी है, वो मैं चाहता हूँ वो और होना चाहिए थोड़ा सा पैशन। हाँ जी, थैंक यू। और मेरे दोस्त, गुड इवनिंग सर, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। हाँ जी सर, जैसे मैंने बोला किया है, हाँ जी, कई बार क्या होता है बच्चे जब थिएटर करने आते हैं तो उनका मेन माइंडसेट ये होता है कि हमें मेन रोल चाहिए, उसके अलावा हम कोई रोल नहीं करेंगे, है ना। और दूसरा ये है कि उनमें पेशेंस की बहुत कमी देखने को मिलती है, जैसे कि अगर एक डायलॉग है हम उनको जिस टाइम जितना मुझे समझा दे कि ये इस तरह से ये इमोशन लेके आना है, वो समझ नहीं पाते एंड दे आर लाइक कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जब हम कभी देखते हैं सिखाने जाते हैं, तो ये मेन दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती। एक पहला कि वो मेन रोल के पीछे रहते हैं, और दूसरा ये कि उन्हें पेशेंस नहीं है, या फिर वो सीखने के लिए रेडी नहीं है, या फिर वो दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देते ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। सर प्रियंका बोल रहे हैं। हां जी सर, प्रियंका नंदा। हां यार, तो ये दो मेन क्वेश्चंस मेरे थे कि अगर हमें उनको समझाना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, कि मेन रोल अहम नहीं रखता, क्योंकि थिएटर में तो एक इट इज अ टीम वर्क, अगर टीम अच्छी होगी तभी प्रॉपर हम प्ले कर पाएंगे, और ट्रस्ट लेवल जब मेंटेन होगा तभी हम प्रॉपरली उसको डिपिक्ट कर पाएंगे। बिकॉज थिएटर में क्या होता है कि अगर कोई गलती कर देता है तो दूसरा बंदा कैसे उसे संभालेगा, वो काइंड ऑफ एक ट्रस्ट फैक्टर जब हम टीम बिल्ड करते हैं तभी हम उसको फेस कर पाते हैं। तो ये टीम एफर्ट या टीम स्पिरिट कैसे डेवलप करें ताकि हम कंपटीशन में जा रहे हैं तो वी कैन परफॉर्म एट आवर बेस्ट। जी 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 जी, प्रियंका जी देख नहीं पा रहा मैं आपको। चलिए खैर, सवाल मैंने आपका सुन लिया।
बहुत कमाल की बात है ये मेन रोल वाली ना जो हो। जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो सभी अपने आप को हीरो समझते हैं, मतलब ये बात मेरे अंदर तक उतरी हुई है, लेकिन एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। रानी बलबीर कौर मैडम ने प्ले शुरू किया, ब्रेस्ट साहब का प्ले था जर्मन, रामपुर की रामकली, तो मेरा एक बैचमेट होता था अमरजीत, उसे मेन रोल दिया गया और तगड़े तगड़े रोल सभी को दिए और मुझे एक छोटा सा रोल दिया गया। तो दो चार डायलॉग्स थे, एक गाना था, दो रोल्स को मर्ज करके मतलब 3 घंटे के नाटक में मेरी कोई 10 नहीं तो 15 मिनट से ज्यादा फुटेज नहीं थी, पूरा 3 घंटे का नाटक था। आई वॉज लाइक कमाल यार, मतलब आता ही यार। रानी मैडम ने मेरे को बुलाया तो कहते तू कर बच्चा, कर शौच इसको दिल से, और आप यकीन मानिए मुझे उस रोल की जो अप्रिसिएशन मिली, तो ये बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अभी अभी जो एपिसोड किया है आप अपनी गल, संडे को होता है मेरा डीडी पंजाबी पर, वो एक्ट्रेस के ऊपर ही था, नो रोल इज बिग और स्मॉल, इट्स द एक्टर वाज बिग और स्मॉल। उस दिन वो मेरी बात ना मेरे खाने में पड़ गई। एक और बात बता, कोर्ट मार्शल प्ले 98 में कॉलेजेस में करवाना मैंने शुरू किया, तो उसमें एक डायलॉग है एक सिपाही का, एंड में एक डायलॉग है, दो डायलॉग, दो तीन लाइन है उसकी, तो वो एक्टर मुझे बोला, कहता सर जी मेरा इना की रोल है। मैं कहा जिन्ना का मेनू तजर्बा है ना, मैं कहा जे प्ले की मैं कोई गारंटी नहीं लगा, मैं कहा जे तेरे डायलॉग दे ताड़ियां ना वजिया ना, मैं कहा मैं थिएटर करना छोड़ दूं, मैं तो इतना बड़ा रिस्क लिया। वो डायलॉग था जब कैप्टन कपूर आता है तो जो सिपाही वहां खड़ा है तो कहता सर गाड़ी सही जगह पे पार कीजिए सर, कर्नल साहब का हुक्म है, तो कर्नल कपूर कहता तू तू पार कर दे, फिर वो कहता मैं सरकार का नौकर हूँ, सरकार आप पार। तो फिर उसका अगला डायलॉग हो, तो सबसे से बात करने की तमीज नहीं है, तेरी शिकायत करूंगा। तो फिर जो उस सिपाही का डायलॉग, वो गर्दन मोड़ता और उसकी तरफ कहता मुझे रामचंद्र समझने की गलती मत करना सर, मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। ओ पागल हो गई थी ऑडियंस लिटरली। उसके बाद आप इससे बड़ी एग्जांपल क्या, आपने मेरी फिल्म वो देखी होगी पंजाब 1984, जिन लोगों ने जिन दोस्तों ने देखी है, तो उसमें वो जो मंगत राम है जो सिपाही है जो हॉलदार है, कितना रोल है उसका। लेकिन मैं आपको यकीन मानिए आपको बता नहीं सकता, मतलब जो फिल्म के जो हाईलाइट्स है ना, 3-4 जो हाई पॉइंट्स है ना फिल्म के, उसमें से एक मेरे हिस्से में आया। जब मैं किरण खेर मैम के घर जाता हूँ और सारी कहानी सुनाता हूँ कि आपके बेटे को हमने पकड़ा था, वो जो 5 मिनट है ना वो मेरे हैं, और मुझे उसके लिए जितनी अप्रिसिएशन मिली मतलब मैं सोच नहीं सकता। सो मैंने तो ये घोंट के पी ली है ये बात कि रोल कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं उस दिन जिक्र कर रहा था चंद परदेसी के कुछ डायलॉग, मैंने उस मेरा वो शो था, चलिए हम बात, आप प्लीज यूट्यूब पे वो शो देखिएगा जरूर, डीडी पंजाबी के यूट्यूब चैनल पर, आपको अपनी गल, वो एक्ट्रेस के ऊपर ही था। चंद परदेसी में कुलभूषण खरबंदा साहब, इतना जबरदस्त रोल, राज बब्बर, अमरीश पुरी, रमा विज, जबरदस्त, उनमें एक रोल था ओमपुरी साहब, ओ 3-4 एंट्रियां थी, वो मतलब लूट के ले जाते थे मैं, और मैं क्या माल को कमा। सो ये बात अब प्रियंका जी कुछ बातें धीरे धीरे समझ आती हैं, करके ही समझ आती हैं बच्चों को, मेन रोल कुछ नहीं होता यार, बंदा एक एंट्री लाके स्टेज से चला जाता है ना तो बंदे यार वो किड़ा से मुंडा। सो अपने रोल को ऐसी शिद्दत से करो, लोग आपको ढूंढते फिर रहे हैं, हाँ यार तू तो ठीक है, ऐसा मैंने देखा तीसियों बार मैंने ऐसे देखा, ओनू लभदे होंगे यार वो यार चढ़ा मोड़ा जा एंट्री लाके गया उसे, वो कौन सी यार। सो बात यही कि उसको ऐसी शिद्दत से निभाओ कि नो रोल इज बिग और स्मॉल, इट इज द एक्टर हु इज बिग और स्मॉल।
दूसरी बात, जहां तक टीम वर्क है, टीम वर्क डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग तरह की उनकी सिक्योरिटीज होती हैं, टीम वर्क डेवलप करना पड़ता है। हमारी ना कुछ थिएटर गेम्स होती हैं, एक एक दूसरे पर विश्वास करना सिखाना। आप आंखें बंद करके खड़े हैं और पीछे पीछे को गिरते हैं और पीछे आपका कोई एक्टर आपको बचाए, आप भूल गए सारी दुनिया को, आपको पता है आप गिरेंगे तो वो आपको बचा ले, ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस। क्योंकि ये टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक्शन के बिना रिएक्शन हो ही नहीं सकती। बच्चन साहब या अमिताभ बच्चन भी उस दिन कह रहे थे कि ना, मैं अपने वो एक्ट्रेस को बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगा कि अगर, क्योंकि सामने से रिएक्शन नहीं आएंगे ना। मुझे अमिताभ बच्चन साहब की बहुत कई जो लोगों को बेहतरीन लगती है, मुझे उनकी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस एक लगती है, शक्ति फिल्म आप कभी देखिएगा, उसमें सबसे जो खास नोट करने वाली बात है बच्चन साहब के रिएक्शंस, दिलीप साहब के ज्यादा डायलॉग्स हैं उनके, एंड ही इज जस्ट रिएक्टिंग, ऑफ फैबुलस। सो ये एक्शन रिएक्शन है, एक थप्पड़ मारेगा और दूसरा कैसे खाएगा, इसमें इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है। मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, उसमें बच्चे डाली हुई, ये सोचना कि नाटक अच्छा। कई लोगों को ये होता है यार, मैं यार तू छा गया, तू तो कहीं नजर नहीं देता, तू तो कमाल कर गया, और दिखा नहीं, नहीं। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, अब ऑल माय सन्स में एक सीन आता है जहाँ मैं उस फिल्म का उसका एक्टर भी हूँ, मेन एक्टर भी हूँ और उसका डायरेक्टर भी हूँ प्ले में। उसमें एक सीन आता है, मेरा को एक्टर 10 मिनट के लिए मुझे बोलने नहीं देता। अगर मैं वहां सेल्फिश एक्टर की तरह सोचने लग जाऊं, यार ये तो छा गया 10 मिनट के लिए, मैं उस वक्त खुश होता हूं कि ये मेरा एक्टर छा रहा है और मेरा नाटक का लेवल ऊपर जा रहा है। आप पूरी पिक्चर को जब देखते हैं तो फिर आपको सब बातें धीरे धीरे समझ आती है। ठीक है जी प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। और कुछ? हेलो हेलो, हाँ जी मैम, क्वेश्चन तजिंदर कौर जी। हाँ जी मुझे आ रही है जी आवाज़ आपकी। You were talking on a topic के leading role must नहीं हुंदा गा। जी जी जी। दत्त ताड़ा जज्बा, ताड़ी मेहनत। जज्बा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नू थोड़े च भी दिखा सकता है कि what are you and how you are acting or singing or something else. Sir, I was doing GED. I want named the college and teacher. And I was participating in GIDDA team. And I was given only 2 bullies. मेनू 2 ही बोलियां दित्तियां गईयां, ते बाकी 3-4 मेरे बराबर दियां कुड़ियां सी जिन्हां नूं बहुत सारियां बोलियां दित्तियां गईयां। स्टार्टिंग उन्हां तों होई, एंड उन्हां तों होया, बट मैं ते इन बिटवीन प्ले कीता सर, पर विच मैं मिला लुट के लग तजिंदर कौर बहुत नॉलेजेबल है और असि बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं शुरू तो ही एड हुई हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सुषमा जी। हाँ जी, आगे चलिए। हाँ जी सर। सर रमनीत कौर जी का क्वेश्चन है कि सर नुक्कड़ नाटक बारे दसो, नुक्कड़ नाटक बारे दसो, अजकल बहुत
ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਜੈਂਸੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ऑडियंस नू दिखाना चाहना अजी रंगमंच लई चार चीजां जरूरी समझदे एक्टर स्क्रिप्ट दर्शक ते एक्टर दा एक्टर जिथे असीं नाटक करना उहदा वेन्यू ठीक है ਹੁਣ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਫਦਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸਫਦਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਇਗਜ਼ਾਤਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਮ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਡਲੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਸਕੋ ਇਹ ਹੈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ 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 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਹੈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਈਵਨ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੜਾਪਣ ਹੈ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਨਾਟਕ ਰਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Thank you, sir. हाँ जी. तो next question है डॉक्टर रचना. वो पूछना चाहते हैं कि पंजाबी रंगमंच विच इस समय की चुनौतियां हैं. I repeat my question. कि पंजाबी रंगमंच विच इस समय की चुनौतियां हैं. पंजाबी सभ्याचार ते भाषा दी तरह पंजाबी रंगमंच विच इस समय की चुनौतियां हैं. की चुनौतियां ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਚਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ
पहली चुनौती तो यह है सब तो वड्डी गल, क्योंकि जे ना अमृतसर च की क्यों थिएटर इन्ना फुल फुलिया, इन्ना क्यों सरवाइव किया, क्योंकि थिएटर उत्थे प्रोफेशनल, क्योंकि थिएटर लंबे समय तक सरवाइव तां ही होएगा जे वो प्रोफेशनल हो जाए। इत्थे की आ साडे जलंधर च की है कि शौकिया काफी सारे ग्रुप्स हैगे ने, पर सिर्फ शौक दे बल बूते कदी स्पॉन्सर मिल गई कदी नहीं मिली। तो जिदा उत्थे है पंजाब नाटक नाटशाला च है कि ऐदा तो कोई एकदम इत्थे कीता जावे कि टिकटां ला के तुसीं ते टिकटां टैक्स फ्री होण, नाटशाला बनाई है। होर बहुत वड्डी जिहड़ी हैगी आ कि मैं अगे भी गल कर रहा सीगा, सब तो वड्डी चुनौती पंजाबी थिएटर नूं एक्टरां नूं नाल जोड़ी रखण दी इही है, पैशन दी इक तां कमी। नहीं तां साडे गुरु ने बुला लिया, साडे टीचर ने बुला लिया, बैठे आ पर वो पैशन भी है बच्चे, पर छेती लोकी ना रिजल्ट छेती चाहते हैं, क्योंकि वो एक्टर्स नो जोड़ी रखना ते वो शुरू दे चुनौतियां आंदियां छेती, फिर क्योंकि दूजे जड़े हैगे एवेन्यूज जड़े हैगे टीवी च उहदे च ग्लैमर भी है, उहदे च पैसा भी है, फिल्मा दे विच टीवी पर जलंधर दे एक्टर्स मैं देखिया। एक सेकंड, यू हैव जलंधर के एक्टर्स ने देखा, मतलब वो इधर क्योंकि इधर रंगमंच भी है, इधर रेडियो भी है, पर ऐसा है कि औकड़ा ना हो तो फिर सफर का मजा ही नहीं आता। चुनौतियां यही है कि हुण तुसीं ये गल कही है तो मैं, क्योंकि मैं भी रेगुलर थिएटर नहीं कर पाता, ऑनेस्टली तुहानूं दसदा चाहन के बावजूद नहीं कर पाता, पर मैं हुण कोशिश करांगा कि नवे कुछ बच्चों नूं नाल जोड़ा ते रंगमंच च कुछ ना कुछ हुंदा रहे, क्योंकि ये जड़ा ये रिले रेस है ना, ये रिले रेस है, जड़ा बैटन जड़ा ना अगे पास हुंदा रहना चाहिए। मैं बैटन फड़िया तो मैं अगे किसी नूं फड़ावां ना, वो साइकिल चलता रहे। तो सब तो वड्डी चुनौती है कि बच्चियां नूं नाल जोड़ना, उहदे लई जरूरी है कि आपां इधर दे कुछ एफर्ट्स करिए, ते जिहड़े जिन्हां च पैशन है लोकां च ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁਖਦੀ ਪਈ ਅੱਗ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਲਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Thank you, sir. Dr. Maan. Sir, next question, Professor Rampal ji da. Professor Rampal ji. Haan ji. Sir, tusi theater te film line nu kivein lende ho? Bahut sare theater artist theater to sikh ke mud ke theater wal nahi gaye. Ji. Ek question, Professor Rampal Banga ji da. हां जी, हुण की करिए, नहीं गए हुण बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट मुड़ के रंगमंच वाल नहीं गए। एक गल दी मैं गारंटी देना, गारंटी देना, सॉरी कॉल आ गई सी, एक गल दी मैं गारंटी देना कि जेड़ा रंगमंच तो गया ना, जेड़ा थिएटर तो गया है, वो फिल्म से मुकाम तक पहुंच गया। आज भी जदों उहदे सामने थिएटर की गल करोगे ना, उहदे चेहरे ते जो चमक आएगी ना, मतलब वो देखण लायक हो जिदा, मतलब कोई बन गया जदों वो अपनी उस ग्राउंड से जाता ना जिथे उहने पहला पहला अपना बल्ला चुकिया सी। कई कारण हो सकते हैं, वैसे तो जिदा बहुत सारे वड्डे कलाकार जे असी हिंदी फिल्मों की गल करिए, नसीर साहब तो हुण फिल्मां छड्डी चुके, मुड़ के फुल टाइम थिएटर ही कर रहे, परेश रावल लगातार थिएटर करते हैं,
इरफान खान साहब इहदे बारे बहुत क्लीयर सीगे। वो कहिंदे मैं क्योंकि वो बंदा इन्ना खुब के काम करदा सी, कहिंदा हुण मैं मुड़ के ना दोबारा कहिंदा बस मैं फिल्मां च ही जाना चाहुंदा, मुड़ के कहिंदा मैं ओहदे थ्रू निकलना नहीं चाहुंदा उस सारे उस प्रोसेस दे थ्रू। वो बड़ा बड़ा पेनफुल हुंदा प्रोसेस, उस पेन नूं कहिंदा स्टेज ते महसूस कर। अपने बहुत सारे ऐदां दे दोस्त मित्र हैगे आ जिहड़े इस वेले फिल्मां च सरगर्म हैगे आ पर नाल दी नाल थिएटर कर रहे पंजाबी फिल्मां दे विच। नाचीज भी थोड़ा बहुत थिएटर करता है, पिछे जे एक शो किया सीगा, होर शो करने की कोशिश करेगा। होर बहुत सारे कलाकार है जो नाल दी नाल थिएटर कर रहे हैं, जिदा जिदा पटियाला तो अपने लखा भाजी हैगे आ, वो लगातार फिल्मां भी कर रहे है थिएटर भी कर रहे है। हरदीप गिल होनी, अनीता देवगन होनी हैगे है, अनीता शब्दीश है, संगीता गुप्ता, बहुत सारे जिहड़े फिल्म जिन्होंने बहुत सोहना बैलेंस बनाया। बाकी ये तो जज्बे की गल है, मतलब तानू जे तुहाडी पुराणी ग्राउंड आवाजा मार रही है ये तो अपनी खिच ते, रामपाल जी मैं तो यह कहना ये तो अपनी अपनी खिच है। किसी नू किसी की खिच कोई स्ट्रोंग रहिंदी अपन जड़ां वल तां उह चला जांदा, किसी की खिच इन्नी स्ट्रोंग नहीं होंदी। सो इहनू असीं जनरलाइज नहीं कर सकते कि पर इन्ना है कि वह थिएटर उन्होंने दिलो जान च वसदा, जिन्होंने थिएटर किया होंगे ना वह किसी भी मुकाम तक पहुँच जाए। बहुत सारे लोगों ने पिछले सतीश कौशिक ने दोबारा नाटक किया, बहुत सारे करना चाहते पर हूँ फिल्म लाइन के इन्ने झमेले है, उन्होंने जो वर्क शेड्यूल है कई जने चाह के भी नहीं कर पाते। बाकी ये तो इदा ही है, मतलब ईच टू इज ओन, असं इन्हू जनरलाइज नहीं कर सकते। जी खिच होंगी मुड़ के थिएटर वाल आ जाता है, कितने कितने जुड़िया रहा है, कितने कितने ये वापसता रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर डॉक्टर रचना पूछ रहे कि माइंड के बारे भी थोड़ा दसो। डॉक्टर रचना इन्ना तो हो गई सी अपनी गल, माइंड के बारे पूछ रहे। माइंड नो मैम, इट्स हरदीप कौर। ओके मैडम हरदीप कौर पूछ रहे कि माइंड के बारे थोड़ा दसो। जरूर 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 जी। मेरे को पानी का ग्लास देना हमें। हाँ जी, बहुत ही बहुत बहुत चैलेंजिंग आइटम है माइंड। तुम पता पहला साइलेंट फिल्म आई होंगी सी, क्योंकि कहते ने थिएटर की कोई भाषा नहीं। चार्ली चैपलन की फिल्म्स क्योंकि एक्सप्रेशंस इतना जबरदस्त रोल प्ले करते हैं एक्टिंग के बीच। कई बार कहते हैं कि एक्टर ने डायलॉग बड़ी बढ़िया बोले। मेरे गल याद आ रही है के मैनन, मतलब के मैनन सरकार फिल्म के बीच जिन्होंने रोल किया सी अमिताभ बच्चन के बड़े बेटे का, बड़े जबरदस्त डायलॉग सीगे। उन्होंने किसी ने पूछा कहते क्या डायलॉग सीगे तुहाडे यार। मैनन साहब कहने लगे कहते यार हाँ ठीक था, लेकिन कहता बच्चन साहब तो बिना बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं। मतलब जो एक्टर होंगे अपनी अखर अपने जज्बात न, सो उतो जो माइंड का जरा उदय बहुत माइंड का जरा है ये बहुत पुराना है। ये कितना कितने ये जहन च आया कि सिर्फ माइंड क्यों ना की जा, उत्थों इहदा जन्म होया। 1895 च आई थिंक पहली फिल्म बनी सीगी, ये आया फिर उस तो माइम की एक विधा हमेशा लगातार चलती आ रही। वैस्ट के बहुत स्ट्रोंग विधा है थी, इतने माइम यूथ फैसटिवल शुरू करके ये एक चैलेंज एक्टर लिए बहुत जबरदस्त चैलेंज है। सिर्फ अपने एक्सप्रैशन के नाल उन्हें अपनी गल कन्वे कर, मतलब वही है ना कि जिदा जे 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 कोई एक्ट की एक्सरसाइज है बहुत जबरदस्त
ਜੇ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਮ ਸਿੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਪਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਪੁਸ਼ਪਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫਿਲਮ, ਪੁਸ਼ਪਕ ਫਿਲਮ ਸਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਲੋਗਸ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਇਮ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜੱਜਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ your device battery is running low, android only mode, okay, battery backup the load pack in amateur speaking, hello, oh ho, ek minute ma'am hold kareo, mera charger kithe hai, thank you sir। ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਆਈਟਮ ਜਿਵੇਂ ਮਮਿਕਰੀ ਹੈ, ਹਿਸਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਮਮਿਕਰੀ ਤੇ ਹਿਸਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਆਡੀਓ ਓਨਲੀ ਮੋਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੜ ਗਿਆ, ਆਡੀਓ ਚੱਲੇਗਾ ਕੱਲ? ਹਿਸਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਮਿਮਿਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ਸੋ ਮਾਈਂਡ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਂਡ ਚ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਮਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਮਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਬਾਈਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਚਿਊ, ਉਨਾ ਹੀ ਚੱਕ ਮਾਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈਂਡ ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਈਮ ਬੈਸਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤਗੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਗੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਸਟ ਮਾਈਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਾਈਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਈਮ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਮਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ।
ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੂਕ ਅਭਿਨੇ ਮੂਕ ਅਭਿਨੇ ਮੂਕ ਅਭਿਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਮ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੂਕ ਅਭਿਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਆਨਸਰ ਹਿਸਟ੍ਰੋਨਿਕ ਔਰ ਮਮਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਮਮਿਕਰੀ ਮਮਿਕਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ 20 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਯਾਰ 10 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੋ ਪਰ ਔਥੈਂਟਿਕ ਕੱਢੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮਿਮਿਕਰੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਆਰਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਝੇ ਤੋ ਉਹ ਇਸ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰ ਜਾ ਕਰਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਡੇ ਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਮੇ ਮੈਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਐਕਟਰੋਂ ਕੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਐਕਟਰ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮਿਮਿਕਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਵਾਕਈ ਮਿਮਿਕਰੀ ਮੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪੇ ਅਸਰ ਡਾਲੇਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਆਪ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਜਲਦੀ ਮਤ ਕਰੋ ਮਿਮਿਕਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਇਸਕੋ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਆਪ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਸਭੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ हेलो हांजी हांजी सर सुन पा रहे हैं जी हाँ तो एक पृथ्वीराज कपूर साहब की आवाज है तो वो डायलॉग था मुगले आजम का अब देखिए भाई कितने प्रैक्टिस की हो उसके लिए तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील दिलीप कुमार अनार कली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा और तुम कर भी क्या सकते थे दे दे टाइम लगाइए आवाज के टाइम लगाइए आवाज के अब राजकुमार राजकुमार का अलग स्टाइल एक आधी आवाज में सुनाता हूँ देव से बहुत बहुत मिमिक्री करता हूँ बहुत एक्टर को मिमिक्री करते रहना चाहिए मस्ती करते रहना चाहिए लेकिन जल्दी मत कीजिए वही ना हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए सामने बिठा के उसकी कोशिश कीजिए आवाजों को कम उसमें आप 10 आवाजें निकाल दो मुझे वही आवाजें मैं जदों सवेरे उठी के कोयल कूक रही सी अरे यार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो कुछ मैं राती कब्रिस्तान च सोती उस और मैं राती स्टेशन ते सोता हा पता की है उथे मैं मेरा झगड़ा हो गया सी टीटी सोचो यार हजारों कहानियां पड़ी हैं दस में से नौ में मिक्री होती मैं रात सवेरे उठिया चिड़िया चैकिया फिर मैं मोटरसाइकिल चलाई फिर उतो प्ले वो निकलता भी हजारों आवाजें पड़ी है मेरे भाई कोशिश तो करो वो टाइम हो गया हेलो हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी हाँ जी ठीक है आ रही आवाज हाँ जी सर आ रही है जी हाँ तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो मैं इसीलिए कहता हूँ कॉलेजेस को भी स्टूडेंट्स पर और अपने प्रोफेशनल जो आप बुलाते हैं उन पे जीतने का इतना दबाव मत डालो प्रोफेशनल भी बेचारे क्या देते हैं सर मैडम जी जीतूगा और फिर वो अपनी जीजा वो फिर वो जब आप जब आप फिल्म हिट कराने के लिए फिल्म बनाते हैं तो फिल्म नहीं बनती फिर वो खिचड़ी बनती है फिल्म तो अच्छी फिल्म दिलो जान से रूह से बनती है और अच्छी फिल्म होती है तो हिट भी हो जाती है सो कला कला के प्रोसेस को उल्टा मत करो कला अपने आप में एक चीज है एक्सप्रेशन इसको कहीं पहुंचने का जरिया मत समझो जिस दिन आप ये सोचते हैं ना कि मैं मिमिक्री इसलिए करना चाहता हूँ मैं नाटक इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारा नाटक जीते आपने पूरे पर्पस को डिफीट कर दिया थिएटर करने का पूरा पर्पस ही हार गया वहां ठीक है ना सो इसी तरह मिमिक्री में अलग अलग आवाजें निकालिए और उस पर टाइम लगाइए मिमिक्री के लिए अलग से मैं आपको बताता हूँ मिमिक्री के लिए एक स्पेशलाइज टैलेंट है अलग से ये किसी में होगा थोड़ा सा कीड़ा तो और उसको मेरी ये है उसको अलग रखिए उसको अलग से टाइम दीजिए मिमिक्री का अलग स्पेशलाइज्ड चीज है और उसकी अलग से प्रैक्टिस करवाई जाए वो कहेगा मैं कर लूंगा नहीं उस पर अलग से टाइम दिया जाए उसके लिए बहुत बहुत स्पेशलाइज्ड चीज है मिमिक्री और जहां तक हिस्टोरिक सी बात है वो ही है जी एक रिक्शे वाली है तो एक मैरिज पैलेस वाली कुछ करो यार कुछ नया हजारों कहानियां पड़ी हैं कुछ नया सोचो प्रोफेशनल्स को भी आजादी दो आप दूसरे कोई बात नहीं जीत हार देखी जाएगी
हमें अच्छी आइटम चाहिए, बच्चों को कुछ सीखने को मिले, फिर ये जो यूथ फेस्टिवल का सही जो पर्पस है ना वो सर्व होता है। अभी एक स्पेशलाइज्ड चीज है, बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं बच्चे। अब आपने एक करेक्टर कहीं क्रिएट किया है ना, और माइक इतने पास रख लेते हैं, अरे क्या जरूरत है, थोड़ा खेलो ना आराम से, जगा लो पूरी। एक करेक्टर आपने कहीं एस्टेब्लिश किया और अब आप घुटके हटके दूसरे करेक्टर की तरफ गए हैं, तो ऑडियंस के दिमाग में ये चल रहा है कि वहां दूसरा करेक्टर खड़ा था जहां आप जगह, और वहां वही दूसरा करेक्टर आएगा, वही आप तीसरा, मतलब वो उसकी सबसे बड़ी समस्या जो हिस्ट्रॉनिक्स में आती है वो पोजीशनिंग की आती है। अब जैसे आप समझिए, मैं आपको बताता हूं, अब जो हमारा जो संस्कृत ड्रामा है उससे आपको ये बात हिस्ट्रॉनिक्स ही बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। हमारे जो उसमें एक बंदा एस्टेब्लिश करता है कि यहाँ दीवार है, ठीक है, अब उसने एस्टेब्लिश कर दिया कि यहाँ दीवार है और उसने दीवार में सेंध लगाई है, अब ऑडियंस ने ये, ऑडियंस का कुछ भी मना सकती, अब ऑडियंस ने ये मान लिया वहां कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने अपने एक्शन से साबित कर दिया कि ये दीवार है और यहां मैंने सेंध लगाई है, मैं सेंध से निकल के जा रहा हूं। अब वो वापसी भी उसी सेंध से करेगा, अब यानी वापसी वैसे विंग में से वो और दीवार वहां खड़ी रह गई, नहीं, वो सीन को खत्म करेगा, वो बिल्कुल उसी जगह से दोबारा वापसी करेगा, ये देखो हाँ मैं इसी तरह हिस्ट्रियोनिक्स में आपने जिस करेक्टर को जहां छोड़ा, एक माइक पे आपने इस करेक्टर छोड़ा, दूसरे माइक पे आप दूसरा करेक्टर करने आए, फाइन, अब तीसरा एक्टर एकदम से उसी माइक पे कैसे आ गया जहां आपने वो एक्टर छोड़ा था, तीसरा एक्टर कहीं और से एंट्री ले, है ना। सो ये कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है, हम खिचड़ी बना देते हैं, हम उसमें भी हम बहुत ज्यादा वाजे में निकालने की कोशिश करते हैं, चार करेक्टर आप जबरदस्त कर दो ना उसमें मजा आ जाता है, 5 मिनट तो होते हैं सर, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें हिस्ट्रॉनिक्स, और कुछ या कुछ इसे आपको विस्तार चाहिए सर? क्वेश्चन है जी, तब प्लीज करता जी जी, ज्यादातर थिएटर सामाजिक विषय पे आधारित होते हैं पर फिल्मा सिर्फ मनोरंजन नहीं, हाय हाय आपके क्या व्यूज है? बहुत बड़ी गल है, मैं स्ट्रॉन्गली मानता कि थिएटर भी मनोरंजन नहीं हो सकता, असि एक्चुअली ना ये मैसेज वर्ड नू इतना कसाता ना, इतना कसाता, मैनू तो दिसना ही बंद हो गया, सच बोल रहा हूं मैं दिल से, इस मैसेज वर्ड को हमने इतना घिसा दिया है ना, अरे यार नाटक भी एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है। हाँ ये अपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया, मैं अब यूथ फेस्टिवल पे आता हूँ, अब आप मैं देखता हूं तो अगर आपने 5 मिनट की वो तैयार किया ना हिस्ट्रॉनिक्स, चलो 4 मिनट करके चलो जी, आखिर मिनट में मैसेज देना, क्यों देना भाई मैसेज, काहे को देना, आप परफॉर्म करके जाओ, हमें लगने लगता है यार मैसेज देना बड़ा जरूरी है, जैसे दुनिया मैं आपके मैसेज पे बैठी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये छोटी आइटम्स की बात कर रहा हूं, और नाटक में भी जो नाटक मैसेज देने के लिए नाटक बनता है ना, जब मैसेज देने के लिए नाटक, वो साफ दिखता है। अब आप मैं आपको एक फिल्म का एक डायरेक्टर का जिक्र करना चाहूंगा, राजकुमार हिरानी। अब राजकुमार हिरानी की फिल्में आप देख लीजिए, उसने 8 फिल्म का और कमर्शियल, मतलब उसने कंटेंट को इतनी खूबसूरती से खेला है ना, अब उसकी फिल्म मुन्ना भाई MBBS उठा लीजिए, कहीं भी आपको प्रीचिंग नहीं लगती कि वो बंदा प्रीच कर रहा है, नाटक में जब प्रीचिंग शुरू होती वो नाटक नहीं रह जाता, फिर वो भाषण बन जाता नाटक। उसने कितनी खूबसूरती से इस बात को हमारे तक पहुंचा दिया कि डॉक्टर होना सिर्फ एक डिग्री नहीं है, इतनी खूबसूरती से उसने ये बात हमारे तक पहुंचाई, डॉक्टर होना एक खूबसूरती डिग्री नहीं है, ये तो आप अपने जीवन में चलते हुए भी लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। अगली फिल्म उसकी लगे रहो मुन्ना भाई, हिंदुस्तान में गांधी के देश में जहां हम ये सोचते हैं कि हीरो बनने का मतलब जो 20 गुंडों की पिटाई कर रहे, हमने अहिंसा पे आज तक कितनी फिल्में देखी, उस इतना बड़ा रिस्क था, लेकिन उसे पता था कि मैं जो कर रहा हूं मुझे पता, उसे उसके अंदर कन्विक्शन, उसने जो गांधी की बात उसने की, कितनी खूबसूरती से वो बात निकल के सामने आई, भाषण कहीं नहीं, इवन 3 इडियट्स
इवन थ्री इडियट्स में जो कहीं भी प्रीचिंग नहीं है, लेकिन उसने वो जाते जाते मनोरंजन के जरिए हमें ये बात समझा यार कि अपने उससे प्यार करो, अपने काम से। कामयाबी जरूरी नहीं है, पैशन को फॉलो करो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी, काबिल बनो। ये बातें जो समझा गया, तो फिल्मों का जो मकसद है, क्योंकि फिल्मों में बहुत बड़ा पैसा लगा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ जो कंटेंट ड्रिवन जितनी भी फिल्में बनी है उसने वो उसके लिए एक डेफिनेट ऑडियंस है और वो चली है, लोगों ने वो देखी है वो फिल्म। सो फिल्मों में सिर्फ जब एंटरटेन, मैं ये मानता हूँ एंटरटेन करना किसी भी तरह से कम नहीं है, मैं स्ट्रॉन्गली मानता हूँ एंटरटेन करना मजाक नहीं है, नहीं नहीं तो ये राधे फिल्म जो इतनी बुरी तरह उड़ी इस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं थी। मनमोहन देसाई, डेविड धवन, ये जो एंटरटेनिंग फिल्में बनाते हैं ये मजाक नहीं बनाना, ऑडियंस का इंटरेस्ट होल्ड करना, वो एंड तक उस व्हाट नेक्स्ट की उस क्यूरियोसिटी को जगाए रखना, वो मजाक नहीं है। लेकिन समस्या है कि बहुत सारी फिल्में एंटरटेनिंग बनती नहीं है, वो सोचते हैं कि एक्टर बड़ा स्टार डाल दिया, दो कैबरे डाल दिए, दो फाइट डाल दिए, अच्छा म्यूजिक, नहीं फिल्में ऐसे नहीं बनती है, फिल्में कहानी पे ही बनती है। सो कोशिश लोग करते हैं कि फिल्मों में भी कुछ ऐसा कुछ हो, दंगल, दंगल में तो मैसेज है, लेकिन वो मैसेज है बिना दिए भी मैसेज है, लड़कियां किसी से कम थोड़ी है, दंगल जितनी कमाई किसने की मुझे बताओ, उसमें मैसेज नहीं था। सो मैसेज अलग से देने की जरूरत नहीं है, कहानी ही, कहानी के जरिए कहानी कहानी डेवलप होती है, अपने एंड तक पहुंचती है, वही मैसेज उसी से उसी इमोशंस के जरिए आप एक मैसेज लेके जाते हैं, कितना जबरदस्त मैसेज मिलता है दंगल का। और आज आज की वो सबसे बड़ी ग्रॉसर है, इतनी कमाई आती है किसी फिल्म में नहीं, ऐसी बात नहीं कि फिल्मों में सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है। दो बातें, एंटरटेनमेंट अच्छी वाली एंटरटेनमेंट जो आपको इंटरेस्ट बनाए रखे, मजा यार पैसा वसूल हो गया, नाच भी देखा, गाने भी आपने ऐसे सुने जो आपको पसंद आए, एक्टिंग हुई, अमिताभ बच्चन की कितनी फिल्में हैं, मनमोहन देसाई की, वहां पे भरपूर पैसा वसूल है, किसी भी तरह से किसी फिल्म से कम नहीं मांगा। अब आगे थिएटर की बात, अब थिएटर में भी मैं ये मानता हूँ थिएटर में भी हमें मैसेज गिविंग से हटना हो, अच्छी कहानियों के जरिए खुद मैसेज है, क्योंकि नहीं तो फिर लोग ये सोचने लगते हैं यार ये तो हम तो भाषण नहीं नाटक देखने आए थे, नाटक में भाषण शुरू हो गया, तो नाटक में जो भाषण की प्रवृत्ति पैदा हो गई है हमें इसको कंट्रोल करना होगा, उसको एंटरटेनमेंट एंटरटेनिंग बना के ही उसके जरिए ही मैसेज देना हो, मैसेज अलग से नहीं होता, मैसेज कहानी में ही होता, ये बात हमें अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठानी होगी। ये अलग से मुझे पता सब पता चल जाता है, मैं जजमेंट में जाता हूँ, चलो जी हमें मैसेज देंगे जी, स्क्रिप्ट में भी मैसेज क्या जरूरत है, मैं नहीं मानता स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट अपने आप में ही वो जो सटायर आप कर रहे हैं जिस बात में वो मैसेज है, अलग से 7 मिनट की स्क्रिप्ट, अब 1 मिनट का मैसेज, अलग से क्यों देते हो भैया मैसेज, जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। जी जी वेलकम सर। माधवी विशिष्ट जी का क्वेश्चन है कि जब तुम ड्रामा की जजमेंट करते हो तो उस वेले केड़े केड़े पॉइंट कंसीडर करने चाहिए, केड़े केड़े पॉइंट तुम कंसीडर करते हो एज अ जज? ये तो कोई खुली किताब है, इस कोई कुछ वो नहीं हैगा, मैं तो ना कि दसा, मैं अक्सर जजमेंट से बोलता भी हूं ना कि मेरी जजमेंट कोई बहुत अलग से कुछ नहीं होती है ना, मेरी जजमेंट दर्शक वाली ही होती है लगभग, मैं बहुत ज्यादा, मैं एक सिंपल बात को आज आपको एक नाटक की सिंपल बात बताता हूँ, सिंपल बात, नाटक क्या है, एक इल्यूजन है ना, एक भ्रम है, एक भ्रम हमने स्टेज पे क्रिएट किया, हमें पता ये भ्रम है, ये बंदा मरा नहीं है, इसकी गोली नहीं लगी, ये विधवा नहीं हुई है, ये विदेश नहीं गया, ये सब एक भ्रम है, लेकिन वो भ्रम जो आपको ये भुला दे कि वो भ्रम है, वो अच्छा नाटक होता है। जो नाटक मुझे उंगली पकड़ के साथ चला लेना, मैं इसमें आपको बहुत बड़ी एक नाटक की टेक्निक की बात बताता हूँ, नाटक की जो फिलॉसफी है, नाटक की जो थ्योरी की है, आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मैं चाहता हूँ सभी ध्यान से सुने। नाटक को हम मानते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग जानबूझकर किया गया
अपने डिसबिलीफ को अविश्वास को सस्पेंड करना, मुअत्तल कर देना अपने अविश्वास को। थोड़ी देर हम कोई भी नाटक देखते हैं तो हम क्या कर, ये क्या हो रहा है यार, इस बात को थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर देना, सस्पेंशन के आप डिसबिलीफ, आप बिलीव करते जा रहे हो सारा कुछ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। लेकिन जो नाटक मुझे ये सोचने पर, ये क्वेश्चन पढ़ने को मजबूर कर देना, जो नाटक मुझे अपने साथ ले चला वो ले चला, फिर मैं नाटक के साथ बहता जा रहा हूँ, पर जिस नाटक के रोक पे मुझे रोक के मुझे क्वेश्चन पढ़े की कर रहे यार, इसका मतलब नाटक नहीं, मुझे अपने साथ जोड़ नहीं सका ना, बेसिक ये जजमेंट हो, नाटक अपने साथ मुझे चला ले, उसके लिए क्या जरूरी है, एक नाटक में इतना दम होना चाहिए उसके कॉन्टेंट में, उसकी प्रेजेंटेशन में, उसके एक्टर्स में, कि वो मैं बस भूल गया दुनिया, देखता चला गया नाटक के साथ, बहता चला गया। दूसरा नाटक जो बात बात में मुझे सवाल उठे मेरे दिमाग में, एक ही मतलब, इसका मतलब नाटक फेल हुआ, वो इल्यूजन जो उसने मेरे सामने जो भ्रम क्रिएट किया था वो भ्रम टूट गया, मुझे पता लग गया यार नाटक कर रहे यार, वो भ्रम टूटने मत, उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, इतनी गहराई लाई आप अपनी परफॉर्मेंस के, तो मेरे बेसिक फंडे यही होते हैं, वो दुनिया का सीक्रेट नहीं है, ये फंडे होते हैं नाटक में, गहराई कितनी है, कितनी मेहनत, कितना ठहराव है, तो ये बातें होती है, तो जो नाटक मुझे अपने साथ चला ले, और जो नाटक मुझे क्वेश्चन करने मजबूर, इतना मतलब नाटक मुझे साथ जोड़ने में असफल रहा। ठीक है जाय सिंह, सैटिस्फाइड? नहीं सॉरी मैम, डिस्टर्ब। जी जी सर, जैसे हम अब बात कर रहे थे, मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, हाउ वुड यू जज ए ड्रामा, पर कई बार होता है कि जैसे जजमेंट आती है, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, हमने कई यूथ फेस्टिवल्स में देखा है, तो एंड आते तो 4-5 ड्रामे आते हैं ना, इससे ज्यादा तो आते नहीं है, और वो भी होती है, और कई बार आप जैसे कह रहे हो कि आप स्टोरी बेस्ड जो डायरेक्टर करते हैं, व्हाट दे डू, एक कॉलेज में एक कराया वही दूसरे कॉलेज में रिपीट कर देते हैं, एक बार हमारे में करा दिया, एक बार वी आर डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्टर्स बिकॉज़ वी आर पेइंग देम, तो वो आपने टॉपिक्स में भी कहा, माइंड में भी कहा, तो वो वही करते हैं, एक जो पिछले 3 साल पहले कराया था वो दूसरे कॉलेज में करा देते हैं, बिकॉज दे डोंट वर्क अपॉन द रीसेंट आइडिया, हाँ जी सर, वी आर्ग्यू विद देम कि थोड़ा इनको नया करो, ये करो वो करो, पर डे पे कहते हैं नहीं जी ये अच्छा इंपैक्ट आएगा, ये ऐसा आएगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें आपका विजन क्लियर होना चाहिए, इसमें आपका विजन क्लियर, आप किसी और को बुलाओ सर, जिसको मर्जी बुला लो सर, इट इज एंड ऑफ द सेम स्टोरी, और ये ड्रामे की आप बात कर रहे हो, एक बार ऐसा हुआ था कि किसी जगह पे स्टेज में कोई जो बैकग्राउंड थी उसमें कोई चीज कंप्लीट नहीं थी, पर एक्टिंग बच्चों की बहुत अच्छी थी, तो उसमें ये कहा गया था नहीं जी आपने गलती कर दी, सेटअप नहीं आपका ठीक था थोड़ा सा, पर जो एक्टिंग ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो रही थी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मींस नहीं मैं इसमें आपको ये बताता हूँ, फिर अल्टीमेटली जाके मैं इस बात ये अल्टीमेटली ना कहाँ पे खत्म होती जाके, बात वही है कि मैं बताता हूँ, मैं अक्सर इसका जिक्र किया अक्सर यूथ फेस्टिवल में कि ये एक सब्जेक्टिव चीज है, समझ रहे हैं ना, कला की ये जो यूनिक चीज है ये एक सब्जेक्टिव चीज है, किसी को नसीर पसंद है तो किसी को अमिताभ पसंद है तो किसी को शाहरुख पसंद है, इसमें सब्जेक्टिव चीज आ जाती है, फिर किसी को सेट बहुत अलग अलग जजेस है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, किसी को अलग अलग बैकग्राउंड से जजेस आए हैं, किसी को मैं हमेशा वहां कह के आता हूँ कि मेरी ये जजमेंट फाइनल नहीं, हो सकता कोई और जज आता है उसे कुछ और पसंद है, हो सकता है किसी के लिए बैकग्राउंड इतनी इंपॉर्टेंट होती होगी यार अपने बैकग्राउंड किसी कोई एक्टिंग से इतना ये इतना है, मैं हमेशा मान के चला हूं, मैं आप यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूं, मेरे नाटक ऑल इंडियन इंटरवर्सिटी जीते हुए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए मेरा आज तक जो मुझे इंटर कॉलेज में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन नाटक लगता है वो पहले राउंड में आ गया था, वो मुझे आज तक की अपनी सबसे बेस्ट प्रोडक्शन लगती है, सो इसको हार जीत के मापदंड से प्लीज मत नापिए यूथ फेस्टिवल, मैं हमेशा वहां हाथ जोड़ के गुजारिश करके आता हूँ
इसको इसको एक एक स्टेप ये तो अपने आप में एक बड़ी चीज है कि बच्चों ने परफॉर्म किया और उनके उन, उन उनकी जिंदगी के कितने रास्ते खुले उनके लिए, उन्होंने जिंदगी में कितना कुछ सीखा। मेरे लिए तो हमेशा ये इम्पोर्टेंट रहता है। अब किसी ने क्या जजमेंट निकाली, ये बहस सदियों तक चली जा सकती है, इसका कोई अंत नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो वो बच्चों को तो मोटिवेट हम करते हैं फॉर पार्टिसिपेशन। हाँ बस यही है, बच्चों पर जीने का प्रेशर मत डालो, फिर देखो उनको खेलने तो मजे। दैट माय टीचर कि मैं उनको प्रेस इसलिए हां मैं कहती हूं आप खेलो, पार्टिसिपेशन इट्स हां द पार्टिसिपेशन इज योर प्राइस। मेरे लिए तो गेम ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात। पर चलो कुछ बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ आंसर्स होने जरूरी होते हैं। सो जी जी तो यू आर देयर टू वी कैन आस्क यू। जी जी थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और ऑडियंस को अब सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल चुका है। जी जी जी, कोई क्वेरी हो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट तो पूछ सकते हैं आप। कोई बोल रहा है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कौन बोल रहे जी? हाँ जी सर, बसरा सर, मेरा एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ देव जी। अजोका नौजवान वर्ग दे थिएटर वाले रुझान तो तुसी संतुष्ट हो? बिल्कुल नहीं हैगा जी। जी सर, इहदे बारे सर जरूर थोड़ा जिहा चानना पाओ। हाँ, थिएटर वाले रुझान एक्चुअली एवेन्यूज बड़े आ गए हैं ना, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गई हैं, असि रिजल्ट भी बहुत छेती चाहते हैं। मैं अगे भी गल की जिक्र किया कि बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शंस इतनी है, वो आधा आधा टाइम तो उनका मोबाइल ले रहा है, आधा सैटेलाइट इंटरनेट ले रहा है, आधा सैटेलाइट टेलीविजन ले रहा है। तो हमारे समय ये था कि ऐसी कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, बैठे हैं तो बैठे हैं। लेकिन इस समय एक आपके सामने एक बच्चा बैठा है, आपको पता नहीं वो और 50 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहाँ से आपको वो डेडिकेशन कम है मैं मानता हूँ, लेकिन उसको कैसे उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि मैं अभी मेरा एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, उसने मेरे प्ले में रोल किया, फिर मैं उसको मिस पीटी से में भी लेके गया, तो वो बहुत जल्दी उसके वो मेरे लिए एक केस स्टडी बन गया ऑनेस्टली। तो उसके बाद मैंने कुछ टेली फिल्में दूरदर्शन के लिए की थी, तो मैं चाहता था उसको मैं वहां बुलाऊं। तो तब तक वो हाथ पैर मार के, सर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है नवा, मैं उसको कहता था करांगे यार कुछ, क्योंकि इन चीजों में टाइम लगता है। और आज के बच्चे, या पता नहीं ये अच्छी बात है बुरी बात, मुझे कभी इस बात की समझ आएगी कि नहीं, आज के बच्चे कैरियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा। हमारे लिए तो प्रश्न था कि हाँ यार इसमें चले हैं तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, रास्ते अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि हम चले हुए, हमें जल्दी नहीं थी, हम सफर का मजा लेते थे। आज के बच्चों के लिए वो जो डेस्टिनेशन है पहुंचने की जल्दी बहुत ज्यादा। सो थिएटर में तो बहुत सब्र चाहिए, तो अभी भी बच्चे हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपनी जॉब्स कर रहे हैं, कोई कहीं कुछ बैंक में लगा, कहीं कोई कुछ लगा, लेकिन वो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए क्योंकि उनमें पैशन था। मैं ये नहीं कहता फुल टाइम थिएटर, क्योंकि वो फुल टाइम थिएटर के लिए तो आपको बुरी दुनिया त्यागनी पड़ेगी, बहुत बहुत स्ट्रगल है उसमें। लेकिन लोगों ने फुल टाइम थिएटर किया है और वो उन्होंने उसमें नाम बनाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। और जो लोग ये चाहते हैं कि आगे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उधर, वो जो आगे जाना चाहते हैं बॉम्बे, वो भी सही है, लेकिन यहाँ जो थिएटर करते रहना चाहते हैं उनमें एक नई रूह फूंकनी होगी। आपने इस सवाल में मेरे में मुझमें एक चुनौती जगा दी, सच बताऊं मैं मैनू लगता है दोबारा न्याणे नूं कट्ठे करूंगा कि अपने लेवल से कुछ यंगस्टर्स नूं मैं दोबारा इंस्पायर कर सकां कि वो थिएटर ना जुड़न। थैंक यू यार मेरे जे जज्बा दोबारा जगाने लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन पढ़ने से रह गया हो तो काइंडली आप बता सकते हो। मुझे लगता है सबको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल गया सर। जी 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 सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट जी, फिर आपा करिए फिर एंड अप। हाँ जी सर, आज म्यूजिक हेरिटेज वर्कशॉप के दूसरे दिन की सफलतापूर्वक समापन पर आप सभी को बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज की मैनेजमेंट प्रिंसिपल
स्टाफ की तरफ से आज के रिसोर्स पर्सन मिस्टर दलजिंदर बसरा जी का विशेष रूप से आभार और हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने थिएटर में नाटक, मोनो एक्टिंग, माइम, एस्ट्रोनिक आदि सभी बारीकियों को हमारे समक्ष रखा और हर पहलुओं को उन्होंने विस्तार से टिप्पणी की। सर, हम आपके स्वस्थ और लंबी आयु की कामना करते हुए आपका हार्दिक आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हार्दिक आभार है पार्टिसिपेंट्स, श्रोतागण, ऑडियंस का, जिन्होंने अंत समय तक अपनी सहनशीलता से इस सारे कार्यक्रम को देखा और अपनी जिज्ञासा को प्रश्नों से शांत किया। हार्दिक आभार बाहर से जुड़े हुए सारे पार्टिसिपेंट्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर से आने का न्योता देती हूँ। म्यूजिक पर कल चर्चा होगी इस विषय पर, और तब तक के लिए आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सारे, बहुत 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 धन्यवाद जी, जी, थैंक यू सारे, बहुत मजा आया, मुझे लगता नहीं था ये बातचीत इतनी चलेगी। एंजॉय करा जी, सबकी जिज्ञासा शांत हो गई, बहुत सारे प्रश्न थे, पता चला यूथ फेस्टिवल को लेके सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मुझे उम्मीद है कि सबको जो है उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके मैम, थैंक यू जी, ओके ओके।